जी जी महाराज, और हमारा प्रांत का कार्यकारिणी का सदस्य, तेलंगाना प्रांत का जिला कार्यकारिणी का सदस्य और वरिष्ठ कार्यकर्ता, हमारा बहुत सालों से 10-15 सालों से तेलंगाना में योग का माध्यम से सेवा देने वाले हमारा वरिष्ठ योग टीचर, सबको मेरा प्रणाम नमस्ते। जैसा परम पूज्य स्वामी जी महाराज और आदरणीय प्रधानमंत्री निरंतर देश का हित के लिए सोचते हुए भारत को एक आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनका जब जन्म हुआ तब से अभी तक वही रास्ते में जा रहे, सो उनका हम लोग आशीर्वाद से तेलंगाना प्रांत में, तेलंगाना प्रांत से पूरा देश और विश्व में भारत को एक स्वस्थ और स्वदेशी गोरक्षक और हमारा सेंद्रीय व्यवसाय, इसके साथ जल का संरक्षण, प्रकृति का संरक्षण करते हुए एक स्वस्थ भारत बना के, एक आर्थिक बलवान भारत को बना के, शक्तिमान हमारा रक्षा करके देश को योग का माध्यम से हम लेके जाएंगे। हमारा जो स्वामी जी महाराज आज हमारे लिए समय लेके तेलंगाना प्रांत का पतंजलि पार को जागृत करने के लिए उनका समय हमारे को दे रहे, इनके लिए हम एक बहुत अभिनंदन और कृतज्ञता पूर्व नमस्कार करते हुए आज का कार्यक्रम को उनको शुरुआत करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद आदरणीय श्रीधर राव जी। अभी मैं तेलंगाना राज्य के ओर से और सभी भारत स्वाभिमान ट्रस्ट, पतंजलि योग समिति, युवा भारत, किसान सेवा समिति और सोशल मीडिया, ये पांच संगठनों के ओर से मैं पूज्य स्वामी जी को स्वागत करता हूँ। पूज्य स्वामी आनंद देव जी, आपका MCA पूरा करने के बाद पतंजलि योग पीठ में सेवा देने के लिए गए हैं और वहाँ 8 साल के कठोर योग साधना और वेद साधना के बाद 2018 में संन्यास दीक्षा ली और परम पूज्य स्वामी जी के अनुयायी बनकर, शिष्य रत्न बनकर अभी पूरा देश में योग के विस्तार के लिए जुड़े हैं। और इसके अलावा महाराष्ट्र ईस्ट के राज्य प्रभारी के नाते भी पूज्य स्वामी जी अतिरिक्त सेवा दे रहे हैं। अभी ये कोरोना के समय में तेलंगाना राज्य के सभी कार्यकर्ताओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और परम पूज्य स्वामी जी का स्वप्न साकार करने के दिशा में जाने का प्रेरणा देने के लिए मैं पूज्य स्वामी आनंद देव जी को इस सत्र लेने के लिए मैं विनम्र रूप से स्वागत करता हूँ। ओम स्वामी जी। आज की यह सेशन में तेलंगाना के साथ साथ महाराष्ट्र और उड़ीसा से भी कई संगठन के जुड़े हुए सभी सादर साधकों को तेलंगाना राष्ट्र की ओर से सादर आह्वान करते हैं। आप सबको आज की जो सेशन है, ऑल द पार्टिसिपेटर्स काइंडली, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। 3 days, आई नो डाउट 100% वी विल एंजॉय, वी विल अपडेट अवर योगिक नॉलेज एज वेल एज कंटिन्यूअस ब्लेसेस ऑफ द योग ऋषि परम पूज्य स्वामी रामदेव बाबा गारू। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेटर्स काइंडली अनम्यूट युवर ऑडियो। Please, you please understand the importance of mute your audio. Please mute your audio and unmute your video. आपका वीडियो को अनम्यूट कीजिए, ऑडियो म्यूट कीजिए। और 3 दिन हम पूज्य स्वामी आनंद देव जी के साथ एज वेल एज पूज्य स्वामी प्रणव देव जी के साथ बहुत कुछ सीखेंगे, एक बनेंगे और हम सब संगठन में स्वामी जी की मार्गदर्शन में आगे बढ़ेंगे। तो मैं चाहता हूँ पूज्य स्वामी आनंद देव जी को, हम बहुत भाग्यशाली है तेलंगाना का सभी साधक
भाग्यशाली है आपके माध्यम से पूज्य रामदेव जी महाराज की जो संगठन की बहुत बड़ा मिशन है हम समझेंगे और उठाएंगे आगे बढ़ेंगे। आई रिक्वेस्ट पूज्य स्वामी आनंददेव जी से आज की सत्र आगे ले जाने के लिए। ओवर टू पूज्य स्वामी आनंददेव जी। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। उड़ीसा के तरफ से आपको कोटि कोटि नमन। और हम अभी शुरुआत करेंगे, जैसे अभी तेलंगाना का था, अभी हम मैं भाई पीतम्बर जी को कहूंगा, वो उड़ीसा के तरफ से आपका स्वागत करें। और हमारे भारत स्वाभिमान के सह राज्य प्रभारी अक्रूर जी हैं यहाँ पे, वो शंखनाद करके हमारे जो उड़ीसा के परंपरा है, कोई भी काम शुरू करने से पहले शंखनाद किया जाता है, तो भाई पीतम्बर जी आपका स्वागत करेंगे और भाई अक्रूर जी शंखनाद से भी आपका स्वागत करेंगे। पूरी उड़ीसा के तरफ से आपको बहुत बहुत प्रणाम। आप तो हरिद्वार में है ही, जो कि बोलते हैं कोई भी अच्छा काम करने से पहले गंगा में डुबकी लगाने के लिए, हम तो हरिद्वार से दूर हैं, गंगा में डुबकी नहीं लगा सकते, लेकिन आपकी ज्ञान की जो गंगा है वहां पे हम डुबकी लगाने के लिए तैयार हैं। तो भाई पीतम्बर जी आपका स्वागत करेंगे, फिर हम योग का सेशन शुरू करेंगे। ओम स्वामी जी प्रणाम। ओम प्रणाम स्वामी जी। पूरी पतंजलि योग परिवार उड़ीसा के तरफ से और पतंजलि उड़ीसा युवा संगठन के तरफ से आपको कोटि से प्रणाम, वंदन, नमन करते हैं। और कल का क्लास बहुत अच्छा था, हमने बहुत सीखे हैं और हमारे जितने उड़ीसा का भाई बहन हैं वो बहुत अच्छे तरफ आप सीखे और शाम को क्लास भी बहुत अच्छे लिए आपने, तो इसीलिए परम पूज्य स्वामी जी के चरण में कोटि से वंदन, परम पूज्य आचार्य श्री के कोटि से वंदन। और आपको पूरी परिवार के तरफ से, उड़ीसा के तरफ से आपको कोटि से वंदन, प्रणाम और नमन करते हैं। ओम स्वामी जी प्रणाम। ओम स्वामी जी। ये उड़ीसा की तरफ से आप ये था, अभी हम शुरू करेंगे। ओम। और जितने जन भाई भौनी माने उड़ीसा रु अछंती, दया करे समस्त निजर ऑडियो को म्यूट रखिबे आ वीडियो ऑन करके जो गौरव अभ्यास करबे। ओम स्वामी जी। ओम स्वामी जी प्रणाम। स्वामी आनंद जी को स्वामी प्रणाम भेज के तेलंगाना सारी ओडिशा की टीम सभी को प्रणाम। ओम। आई रिक्वेस्ट ऑल योगा पार्टिसिपेंट्स please mute your audio. पूज्य स्वामी जी महाराज आप अनम्यूट कीजिए आपका ऑडियो। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, क्लियर है। तो हमारी आदरणीय शोभा भागिया जी को फिर से सादर नमस्ते। हमारे प्रिय अमृतांशु जी, अक्रूर मार्था जी, पीतांबर जी और हमारे सभी उड़ीसा प्रांत के नव योग शिक्षक शिक्षिकाओं को, कार्यकारिणी सदस्यों को मैं सादर नमस्ते करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे प्रिय किशोर जी, आदरणीय तेलंगाना प्रांत प्रभारी श्रीधर राव जी और जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं और जो वरिष्ठ योग शिक्षक कार्यकर्ता और टीम सदस्य आज जुड़े हैं हमारे साथ, उन सबको भी मैं नमन करता हूँ, सादर अभिनंदन करता हूँ सबका। और हमारे आदरणीय काले काका जी, पुनरीत कोहली जी, आदरणीय शंकर जी
और सभी महाराष्ट्र से हमारे और अलग अलग प्रांतों से जगह से हमारे योग शिक्षक शिक्षिकाएं जुड़े हैं, साधक साधिकाएं जुड़े हैं, उन्हें भी मैं सादर नमस्ते करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। प्रारंभ करते हैं आज का सत्र। योग सत्र आज का प्रारंभ करेंगे। सीधे बैठेंगे, ध्यान मुद्रा में दोनों हाथ, ओमकार का उच्चारण करेंगे। आसनों को देखेंगे, बहुत सारे आसन करेंगे, कम समय में ज्यादा आसन करेंगे। वैसे तो आसनों को होल्ड करना चाहिए, चाहे हम कमर के लिए करें या पेट को मजबूत करने के लिए करें, तो होल्डिंग जरूरी है। चाहे हम 30 सेकंड ही होल्ड करें तो वो फायदा अधिक होता है, परंतु जो मोटापे के लिए किए जाते हैं उनको फास्ट स्पीड में करते हैं कि उसमें से थोड़ी एनर्जी और लगे, कैलोरीज बर्न हो, पसीना निकले, तो इसलिए मोटापे में स्पीड में करते हैं। बाकी जो रोगों में करते हैं वो स्पीड में नहीं, होल्ड करके आसन को स्थिर सुखम आसनम। तो कल हमने जो है, हम रोज प्रतिदिन ही योगिक जॉगिंग सूर्य नमस्कार, और कल तो हमने विशेष दंड बैठक भी लगाई थी, तो सूक्ष्म व्यायाम भी हम रोज ही करते हैं। तो चलिए सूक्ष्म व्यायाम से प्रारंभ करते हैं कि हम कितने प्रकार के सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। हर एक जॉइंट के लिए सूक्ष्म व्यायाम है, जैसे कि ये हमारे पूरे पैरों के लिए, पूरे लिम्स, पूरे शरीर में ही, क्योंकि हम पूरे दिन खड़े रहते हैं, पैरों के बल रहते हैं, तो पूरा रक्त संचार पैरों की तरफ होता है, और अगर पैरों का ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होगा तो नस नाड़ियां चोक हो जाती है, वेरिकोस वेन्स की समस्या हो जाती है, फिर अपनी उंगलियों या उंगलियां दर्द करती हैं, अकड़ जाती हैं, मुंगियां आती हैं, झंझनाहट होती है पैरों में,
बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं यदि हम कुछ अभ्यास पैरों का मूवमेंट नहीं करते और हर जॉइंट का मूवमेंट हो, केवल चलने में पूरे एड़ी का मूवमेंट नहीं हो पाता है, उंगलियों का मूवमेंट नहीं हो पाता है पैदल चलते, इसलिए कोई भी कभी भी इसको कर सकता है, चाहे रोगी हो, बुजुर्ग हो, युवा हो। ये इतने आसान है, आसान होने का ये मतलब नहीं कि इनके लाभ कम है, आसान चीज के लाभ अधिक होते हैं, तो इसके लाभ प्रभावशाली हैं, बहुत गहरे हैं। और इस तरह कितनी बार करना चाहिए, हम तो थोड़ा ही कर रहे हैं, लेकिन इसको 100, 500, 1000 बार भी कर सकते हैं, तो इससे और मूवमेंट अच्छी होगी आपके एड़ियों की, नहीं तो एड़ियां दर्द करती हैं। फिर इसके बाद हम अपने घुटनों के लिए अभी हमने किया था, जानेंगे थोड़ा थोड़ा करके, ऐसे पैर को सामने करना, मोड़ना, हाथों से अपने थाइस को पकड़ लेना इंटरलॉक करके, और पूरा ध्यान हमारे घुटने पर रहे तो अच्छा, क्योंकि हम घुटनों के लिए फिर क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हैं, फिर एंटी क्लॉकवाइज पीछे की तरफ चलना भी बहुत फायदेमंद होता है। हमने बताया था ना कल कि बैकवर्ड वॉकिंग नी प्रॉब्लम के लिए एक रामबाण उपाय है ठीक करने का। योगग्राम में सभी को पीछे की तरफ चलाया जाता है जिनको भी घुटने की समस्या है। हाँ, उनको गिलोय और पीड़ांतक काढ़ा भी देते हैं कि उनकी पीड़ा कम हो, चंद्र प्रभावटी भी देते हैं कि उनकी नस नाड़ियों में शक्ति आए, लहसुन और प्याज का रस भी फायदेमंद होता है नस नाड़ियों के लिए और खून को भी पतला करता है, वात भी कम होता है, नहीं तो वात रोगों से कई बार ज्वाइंट पेन होते हैं, वात रोगों बहुत खतरनाक होते हैं। फिर अपने पैर को ऐसे उठाना, राइट, कई बार वात बढ़ जाता है, बुजुर्ग जो वृद्ध होते हैं, बूढ़े होते हैं, उनका वात बढ़ जाता है जो व्यायाम नहीं करते, और फिर जब वात बढ़ जाए तो वात वाला भोजन नहीं लेना चाहिए, जैसे आलू खाने से वात बढ़ जाता है, चावल खाने से वात बढ़ जाता है, और गोभी है, बैंगन है, राजमा है, तो वो ना खा करके घी खाना चाहिए, गाय का घी खाने से वात कम होता है, गर्म पानी पीने से वात कम होता है, मालिश करने से वात कम होता है, और फिर दोनों पैरों से किया और अपना वातारी चूर्ण खाने से वात कम होता है, हल्दी मेथी और सौंठ इसको बराबर मात्रा में मिला करके, कूट पीस करके पाउडर बना करके बराबर मात्रा में लेने से भी सुबह शाम वात कम होता है, बस्ती करने से वात कम होता है, दोनों पैरों से ज्यादा बल लगता है, तो जिसका शरीर कमजोर है, जिसकी कमर कमजोर है, तो वो एक एक पैर से ही कर लिया करे, ये कॉमन सेंस है कि जब हम दो पैरों से करने में दिक्कत होती है तो एक एक पैर से ही कर ले, फिर ऐसे हम गोल गोल भी घुमा सकते हैं, ये हमारी थाइस के पूरे पैर के लिए ही अच्छा है, थाइस और हिप्स में भी प्रभाव पड़ता है। इस तरह कम से कम 10 बार कर सकते हैं क्लॉक वाइज, फिर एंटी क्लॉक वाइज। ऐसे हम लेट के भी पाद वृत्तासन करते हैं, लेटने से भी प्रभाव पड़ता है, बैठने से भी प्रभाव पड़ता है, अलग अलग प्रभाव पड़ेगा अलग अलग एंगल से करने में, लेट करके करने में जो प्रभाव पड़ता है तो उससे अलग प्रभाव पड़ेगा बैठ करके करने में। और इस तरह हम खड़े होकर के भी करते हैं बुजुर्गों के लिए, तो खड़े होकर के और अलग प्रभाव पड़ता है, तो ये होता है बैठ करके स्थिर पाद वृत्तासन, बैठ करके पाद वृत्तासन कर लिया और फिर हिम्मत और ये कमर में दम है तो दोनों पैरों से पाद वृत्तासन ऐसे कर लिया, हाथों को आगे रखा अपने ये हिप्स के साइड में सपोर्ट के लिए, और ऐसे 5 बार क्लॉकवाइज
then 5 times anti-clockwise. Don't bend your knees. Knees, your legs should be straight. पेट पर भी प्रभाव पड़ेगा, इससे एक्स्ट्रा फैट भी थाइस का, हिप्स का, इस लोअर बेली फैट भी इससे कम होगा। फिर इसी तरह साइकिलिंग भी करते हैं, थोड़ा पीछे की तरफ झुक करके ऐसे ऐसे 25 टाइम साइकिलिंग किया और फिर रिवर्स साइकिलिंग किया, उल्टी साइकिल चला, और उल्टी साइकिल चलाने के बाद दोनों पैरों से साइकिल चलाना। यह है स्थित द्विचक्र का आसन। इससे भी देखिए पेट पर भी फर्क पड़ रहा है, थाइस पर भी, और पूरे पैरों पर तो पड़ ही रहा है। नाभि के नीचे के अंगों के लिए ये सूक्ष्म व्यायाम वरदान है, वरदान। कोई कठिन व्यायाम ना भी कर पाए जो हमने कल किया, वैसे युवाओं को तो अपना शरीर पत्थर जैसा, औलाद जैसा बनाना चाहिए, ऐसी वेद की आज्ञा है, भगवान की आज्ञा, अश्मा भवतु न स्वरूप। लेकिन कोई किसी कारण से नहीं कर पाता है, उम्र ज्यादा हो गई, रोग है, मोटापा है, तो वो ये छोटे छोटे अभ्यास जरूर किया करे कि शरीर अंदर से मजबूत रहे। तो ये हमने साइकिलिंग की, और फिर हम कर सकते हैं सूक्ष्म व्यायाम में ये अपना पश्चिमोत्तानासन भी, हम इसको भी सूक्ष्म व्यायाम, व्यायाम में थोड़ा स्पीड रहती है ना, इसलिए ये सूक्ष्म आसन नहीं है, इसे कहते हैं सूक्ष्म व्यायाम। श्वास भरते ऊपर सांसों का भी बहुत महत्व है, जब भी करें तो श्वासों के साथ करें और पूरे मन उत्साह से करें, पूरी एकाग्रता से। और पूरा पीछे भी जा सकते हैं, जिनमें कमर में ठीक है तो पूरा पीछे भी जा सकते हैं। हमारे पूज्य स्वामी प्रणव देव जी को भी सादर प्रणाम है, जो हमारे साथ जुड़े हैं, और वो भी हमें योग सत्र के पश्चात योग का ही ज्ञान देंगे, गीता का, श्रीमद् भगवद् गीता में योग का ज्ञान भरा पड़ा है, तो उस ज्ञान से हमें परिचित कराएंगे। बहुत ही विद्वान सन्यासी हैं, और परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने उन्हें वैदिक गुरुकुलम के व्यवस्थापक का भी अतिरिक्त दायित्व सौंपा है, अपने पठन पाठन के साथ साथ वो व्यवस्था भी देखते हैं। तो ये हमने पश्चिमोत्तानासन किया, अब दोनों पैरों को स्ट्रेच कर लेंगे। स्थित कोणासन, एक कोणासन तो हम खड़े होकर के ऐसे करते हैं, और जब बैठ करके करते हैं तो उसमें स्थित छुट जाता है, स्थित कोणासन ऐसे, एक हाथ ऊपर स्ट्रेट, और पीछे अपनी गर्दन को मोड़ना है, पीछे हाथ को देखना है। ये पहला पोस्चर है स्थित कोणासन का। इस तरह 50, 100, 500 बार तक आवश्यकता के अनुसार व्यक्ति कर सकता है। और फिर इसको किया, अब इसी का दूसरा अभ्यास अपने घुटनों को नीचे मोड़ना ऐसा। हाँ, कमर दर्द में आगे झुकने वाले आसन नहीं करते हैं, क्योंकि ज्यादातर कमर आगे तरफ झुकने से हो जाता है, तो इस तरह ये जो आगे झुकने वाले कोई भी आसन है तो वो बचते हैं जिनको हैवी बैक पेन है, क्रॉनिक बैक पेन, नहीं तो थोड़ा थोड़ा झुक सकते हैं, थोड़े थोड़े पेन में कोई नहीं, वो तो किसी भी कारण से हो जाता है, वैसे साइड वाइज तो झुक सकते। तो ये सावधानियां है कि जिनको हर्निया की समस्या होती है उन्हें बैक बेंडिंग नहीं करनी चाहिए, उन्हें पीछे की तरफ झुकने वाले आसन नहीं करने चाहिए, जैसे कि उष्ट्रासन है, अर्धउष्ट्रासन है, चक्रासन है, ये उनको नहीं करना चाहिए, हाँ, क्योंकि पीछे झुकने वाले में
और जिनको कमर दर्द है उन्हें फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करनी चाहिए, जैसे पश्चिम उत्थान आसन है और जैसे कि कोई भी आसन है, योग मुद्रा आसन है। यदि झुकने में कोई समस्या नहीं है तो झुक सकते हैं, क्योंकि झुकने में ही पता चल जाता है कि कुछ हानि हो रही है। ठीक है, तो फिर ऐसे ये आधा भूड मनासन, यानी दोनों हाथ खोटी में रख के अपनी एल्बोस को जमीन से टच किया। कोई कोई तो पूरा छाती को जमीन से लेटा देते हैं, तो शुरुआत में प्रैक्टिस नहीं है तो हम पैरों को जितना हो सके उतना स्ट्रेच करें और ऐसे दोनों हाथों को ठोड़ी में रख दे, ऐसे कोहनियों को नीचे रख दे और ऐसे पैरों को डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसे अपने पैर के पंजों को ऊपर नीचे ऐसे 50 टाइम्स किया या 25 टाइम्स किया और फिर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी तो पैरों को और खोल ले और खुलेंगे पैर और फिर और नीचे जा करके फिर 25 टाइम्स किया। फिर पैरों को और खोल ले और खुलेंगे पैर फिर नीचे जाए और फिर धीरे धीरे हाथों को स्लाइड करके जितना हो सके उतना नीचे आए, जितना हो सके और उतना होल्ड करें। और फिर से करें ऐसे ऐसे रिपीट करते रहें, करें स्लाइड करें फिर पैरों को और चौड़ा कर लें, फिर करें फिर स्लाइड करें फिर चौड़ा कर लें। ऐसे धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी खुलती है, एक दिन में नहीं खुलती, आपकी एक महीने में अच्छे से शरीर फ्लेक्सिबल होगा। जब तक फ्लेक्सिबिलिटी है तभी तक शरीर में एनर्जी और युवापन रहता है, इसलिए जितनी फ्लेक्सिबिलिटी हो सके, फ्लेक्सिबिलिटी की लिमिट नहीं, शरीर को बहुत फ्लेक्सिबल बना लेते हैं कोई कोई जो जिमनास्ट करते हैं ना, ओलंपिक्स में जाते हैं, उनका शरीर देखिए कैसे रबड़ की तरह होता है, कहीं भी उड़ जाता है। तो जितना हो सके फिर ये तितली आसन भी बहुत अच्छा अभ्यास है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, हमारे थाइस के लिए, हिप्स के लिए, पेल्विक रीजन के लिए और हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए भी। बटरफ्लाई, पैरों को पूरा जमीन से टच करने का अभ्यास कर, इसमें भी हम सामने की तरफ ऐसे झुक सकते। योग हमारे शरीर के सिस्टम पर काम करता है, हमारे शरीर में बहुत सारे सिस्टम्स काम कर रहे हैं, चाहे वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ऐसे काफी हमारा एंडोक्राइन सिस्टम्स, ये कुछ मुख्य सिस्टम है, चक्रों का सिस्टम है, मन का मानसिक सिस्टम है, साइकोलॉजिकल सिस्टम, सारे सिस्टम के आधार को मजबूत करता है। सारे सिस्टम सिस्टमैटिक हो जाते हैं, कोई सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं है, ये है रूट कॉज को नष्ट करना। पूरा सिस्टम, पूरा जीवन सिस्टमैटिक होता है यदि व्यक्ति पूरी श्रद्धा और ईमानदारी से योग अभ्यास करता और कराता। फिर आगे झुकना है, अपने माथे को जमीन से लगाना, हाथों को स्लाइड करके, जब हमारा सिस्टम सिस्टमैटिक हो जाएगा, हार्मोन्स भी अच्छे से सेक्रेट होंगे और डाइजेशन भी अच्छे से होगा, एक्सक्रीशन भी अच्छे से होगा, धातु भी ना अधिक ना कम सम रहेंगी, मल सम रहेगा, प्राण सम रहेंगे, तो व्यक्ति अपने आप स्वस्थ हो जाएगा, उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जो रोग उसमें वो जानता है और जो रोग वो जानता भी नहीं कि मेरे अंदर है, आयु बढ़ जाएगी हर एक अंग की। तो ये हमने पैरों के लिए किया, कमर के लिए किया,
अब हम हाथों के लिए सूक्ष्म व्यायाम। कुछ लोग तो बाय बर्थ गिफ्टेड होते हैं कि जन्म से ही उनमें दिव्यता, वैराग्य, ज्ञान पूर्व जन्म के अभ्यासों से होता है, तो वो तो बचपन से ही निकल जाते हैं सत्य की खोज में, परंतु उनकी गिनती बहुत कम है। और फिर हमारे जैसे हैं कि जो नहीं निकलते, तो उनके लिए है जिनमें अभी वैराग्य की कमी है और प्रभु से अनुराग की कमी है, तो वो तो उनका तो लक्ष्य यही है कि वो अपने शरीर को सुदृढ़ बनाए, मजबूत बनाए ये कलाइयों के लिए, और शरीर स्वस्थ बना करके, मजबूत बना करके सेवा करें, और सेवा से ज्ञान की प्राप्ति करें, सेवा से श्रद्धा की प्राप्ति करें। इस जीवन में इतनी मंजिल तय करें जितनी 100 जन्मों में भी नहीं की हो। रिलैक्स, लंबी गहरी श्वास लें। और फिर हमारा जो अगला जीवन होगा वो कई महान योगियों जैसा होगा, इसलिए कभी किसी को निराश हताश नहीं होना, जहां से वो है वहीं से उसको यात्रा शुरू करनी है। यात्रा में कोई आगे है कोई पीछे, लेकिन सब यात्री हैं ये निश्चित है, और सभी मार्ग पर हैं प्रभु के ये भी निश्चित है, लेकिन कोई भटकता है तो किसी को गुरु का ज्ञान मिल जाता है, कोई गुरु पा करके भी भटकता है, और कोई गुरु पा करके श्रद्धा पूर्वक उनके बताए मार्ग का अनुसरण करता है। वो हमारे ऊपर है, गुरु का मिलना तो प्रभु की कृपा है, माता पिता का मिलना, इस स्वस्थ शरीर का मिलना, संसाधनों का मिलना, ज्ञान का मिलना, ये सब परमात्मा की कृपा, ये कृपा से हो रहा है, हमको मिल रहा है, लेकिन इसका हम सदुपयोग करें अपने ज्ञान का या दुरुपयोग करें, हम अपनी सुने या ना सुने, ये फिर हमारे ऊपर, हमारे कैसे थॉट्स हो, हमारे कैसे इमोशंस हो, ये तो अभी तत्काल मैं निर्धारित करूंगा ना कि मेरी वाणी कैसी होनी चाहिए, मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये तो मैं निर्धारित करके बोल सकता हूं। इसमें जागरूकता चाहिए, जो जागरूक व्यक्ति है वो अपने शब्दों को मीठा करके बोलेगा, प्रेम से बोलेगा, और वो दूसरों की मदद सहायता करने के लिए बोलेगा, और जो जागरूक नहीं है वो तो गुस्से से भी बोल सकता है, रिएक्ट करेगा वो वो काबू नहीं है उसका अपनी वाणी पर, उसने कुछ बोला और तुरंत रिएक्ट कर दिया, तो रिएक्शन खराब है, सोच समझ कर वाणी तोल कर बोलनी चाहिए, रहमन वाणी बोलिए, मीठी वाणी बोलिए, मन का आकार होए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए, जागरूकता से ही हमारा वाणी व्यवहार सुधरता है, नहीं तो हम जागरूक नहीं रहेंगे अपने वाणी में व्यवहार में तो हम आदतों को कैसे सुधार पाएंगे, फिर हमारा जीवन व्यर्थ जाता है, और यही नहीं आगे आने वाले भी सारे जीवन व्यर्थ जाते हैं। इसलिए समाधान वर्तमान में होना चाहिए, भविष्य में कोई समाधान नहीं होगा, किसी का नहीं होगा, जिसका भी समाधान हुआ वर्तमान में, प्रेजेंट मोमेंट में मैं जागरूक रहूं, म्यूट कर लेंगे, जो भी अनम्यूट है कृपया म्यूट कर दे। योग करने से हमारी जागृति बढ़ती है, क्योंकि हम सुबह सुबह ऐसे ही मन शांत रहता है, और
हम ध्यान पूर्वक शरीर पर ध्यान करते हुए ये छोटे अभ्यास करते हैं तो हमारी कितनी जागृति बढ़ती है, जागृत होने का अभ्यास हो जाता है। जैसे बेहोश होने का अभ्यास होता है वैसे जागृत होने का भी अभ्यास होता है। तो सुबह सुबह जल्दी जागरण करके आत्म जागरण करना, अपने वाणी व्यवहार के प्रति जागरूक रहना। जो जागरूक रहता है वो तटस्थ रहता है, फिर उसे कोई भी दुखी नहीं कर सकता, वो किसी का गुलाम नहीं होगा, न किसी के हंसाने से हंसेगा, न किसी के रुलाने से रोएगा। वो अपना मालिक स्वयं होगा जो जागरूक है, साक्षी है, तटस्थ है, जो एकाग्र है हो रहे के प्रति। यही योग है, आपे में रहना, अपने में रहना, अपनी कॉन्शियसनेस में, अपनी अवेयरनेस में रहना। सावधानी घटी और दुर्घटना घटी। ये गर्दन के लिए सूक्ष्म व्यायाम, और फिर ऐसे ये हमने किया कंधों के लिए, शोल्डर्स के लिए, फिर अपने गर्दन के लिए जो हमने नेक रोटेशन किया, फिर उसके बाद ऐसे हाथों को कान पे लगा करके प्रेशर देते हैं सर की तरफ और सर से हाथ की तरफ अपोजिट प्रेशर 10 सेकेंड्स के लिए श्वास भर के अपोजिट साइड से। इसी को ध्यान कहते हैं। ध्यान ये नहीं कि आप बैठ गए ऐसे और हट पूर्वक विचारों को रोक दिया। विचार थोड़ी रोक पाएंगे अभी, वो तो बहुत आगे की प्रक्रिया है, चित्त वृत्ति निरोध, निर्विकल्प समाधि, निर्विचार समाधि। अभी व्यक्ति ऐसे बैठ जाएगा या तो बहुत सारे विचार उठने लगेंगे और या तो नींद आ जाएगी। ये दो चीज होती है, या तो मन सोचता है या तो सोता है। ध्यान है स्वयं को जानना, साक्षी भाव से स्वयं को देखना। जैसे हम दूसरे व्यक्ति को का निरीक्षण करते हैं ना, दूसरे का एनालिसिस करते हैं, दूसरे के बॉडी का, कपड़ों का, बिहेवियर का हम एनालिसिस करते हैं, उसका संश्लेषण करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं। वैसे इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण, आत्म विश्लेषण को ही ध्यान कहते हैं। ध्यान की सबसे प्राइमरी स्टेज और सबसे मुख्य कि हम स्वयं को जाने कि मैं क्या बोलता हूं दिन भर, मैंने क्या किया सुबह से शाम तक, कितने उपयोगी काम किए और कितने व्यर्थ काम किए, मैंने कितना संसार का चिंतन किया और कितना भगवान का चिंतन हुआ, कितना गुरु की आज्ञा में चला और कितना विरुद्ध आचरण किया, कितना क्या मैंने किया, क्या सोचा, मनसा वाचा कर्मणा क्या किया। इसको जानना, भले ही 10 मिनट शांत बैठ करके हम बैठ करके अपने का इंट्रोस्पेक्शन, ये ध्यान। उससे फिर हमको पता चलता है कि गड़बड़ी कहाँ है तो हम सुधार सकते हैं, नहीं तो हमें गड़बड़ी ही नहीं पता चलेगी, फिर हम सुधारेंगे क्या, फिर हमें लगेगा कि इसमें गड़बड़ी है, मेरे में गड़बड़ी नहीं, इसमें, इसमें और इसमें गड़बड़ी है और इनको सुधारना है मेरे को। हम समाज सुधारक बन जाते हैं, लोग सुधारक बन जाते हैं, आत्म सुधारक। साधक को सुधारक नहीं बनना चाहिए, ऐसा बोला, साधक अपने को सुधारे और गुरु के आदेश का पालन करे। ये ना सोचो मैं इसको सुधार दूंगा, मैं इसको सुधार दूंगा, पूरा फोकस कंसंट्रेशन ही बदल जाएगा। अब हम कुछ खड़े होकर के अभ्यास करेंगे। मोटापे के लिए जो हम पैकेज करते हैं उसमें 14 प्रकार के अभ्यास होते हैं। देखिए, मोटापे के लिए कुछ तो हमने बैठ करके किए थे, जैसे हमने स्थित ये पश्चिमोत्तानासन स्पीड में किया था, स्थित कोणासन किया था,
और कुछ आसन हम ये तिर्यक ताड़ासन। ध्यान से 25 बार कम से कम, और जितना झुक सके, हाथ नीचे ना आए, हाथ सर के ऊपर रहे, कान से सटा हुआ रहे, और हम साइड वाइज स्ट्रेच करें। ये होती है विधि। अब इस विधि को 5 बार करेंगे तो कम लाभ होगा, 10 बार करेंगे तो भी कम होगा, 25 बार करेंगे तो लाभ होना शुरू हो जाएगा, और फिर 2 राउंड करें 50 बार किया तो इससे आपके फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी और साइड वेस्ट भी कम होगी। इस प्रकार साइड तरफ झुकने के बहुत सारे आसन होते हैं। ये तिर्यक ताड़ासन था, इसी तरह त्रिकोण आसन, इसको 25-25 बार कर लिया, श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे। सुधारक तो वो होते हैं जिन्होंने अपने को सुधार लिया, फिर वो दखल कर सकता है दूसरे के जीवन में, समाज के जीवन में, क्योंकि इससे उसकी हानि नहीं होगी। और यदि व्यक्ति स्वयं को भूलकर दूसरों को सुधारने के पीछे चलता है तो उसको फिर बहुत कष्ट होता है, दुख होता है, पीड़ा होती है। इसलिए हम दूसरों की सहायता तो करें लेकिन उसमें अपनी ही सहायता माने, दूसरों की सहायता में हम अपनी सहायता माने कि इनकी वजह से मेरे को सेवा का अवसर और मेरे को मेरा शरीर का योग हो रहा है इनकी वजह से, ये नहीं मैं इनका कल्याण कर रहा हूं। दान भी दे तो ये माने कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं कुछ देने का मुझको अवसर दे रहे हैं परमात्मा, गरीब बन करके परमात्मा मेरे सामने आया है मुझको दानी बनाने के लिए, रोगी बन करके परमात्मा मेरे सामने आया है मुझे योगी बनाने के लिए। अपने आप को सौभाग्यशाली मानना, अपने आप को जब हम दान करें, योग कराएं, कुछ भी सामाजिक कार्य करें, ये नहीं कि दूसरा सौभाग्यशाली है कि मैं सिखा रहा हूं। अब अगला अभ्यास कौन आसन, आपकी छाती आपके घुटने के पास रहे तो अच्छा, और पीछे की तरफ देखें जैसे बैठ करके वैसे ही खड़े होते हैं। अब इसको भी 25-50 बार कर सकते हैं, मोटापे के लिए ये भी बहुत फायदेमंद है, लेकिन जिन्हें कमर दर्द है उनके लिए आगे झुकना मना होता है तो वो आगे ना झुके, कम से कम साइड में तो झुक ही सकते हैं। तो ये 14 प्रकार के आसनों में मोटा जो बहुत है वो 14 ना करके वो उनमें से 8 ही कर ले, 10 कर ले, जितना उससे बनता है। फिर है स्थित कोण आसन, ये 4 आसन मोटापे के लिए करने चाहिए। मोटापा क्यों बढ़ता है, ओवर ईटिंग, लेस फिजिकल एक्टिविटी, और कई बार ऑपरेशन कराने से, दवाइयों के साइड इफेक्ट से, बहुत स्ट्रेस तनाव से, और जेनेटिक भी हो जाता है, माता पिता से ट्रांसफर हो जाते हैं जीन्स, उससे भी बच्चे मोटे हो जाते हैं, थायराइड के कारण से मोटापा हो जाता है। तो ये अभ्यास मोटे को पतला करेगा और पतले को तगड़ा करेगा। अंडरवेट के लिए भी है व्यायाम, ओवरवेट के लिए भी व्यायाम। व्यायाम से कोई पतला मोटा नहीं होता, शरीर सम होता, सम बैलेंस होता है। जितनी होनी चाहिए आपकी चर्बी, जितना मांस, जितनी फ्लेक्सिबिलिटी, उतना आएगा, चाहे आप ओवर चले गए हो या अंडर चले गए हो, सम होना। इसलिए जो कमजोर है उनको डरना नहीं चाहिए। बैठ जाएंगे दंडासन में, थोड़ा हम कर रहे हैं आज थोड़ी थोड़ी चीजें इस तरह दंडासन में बैठ करके। अब हम चक्की आसन करेंगे। ये 4 आसन हम खड़े होकर करते हैं, 3 आसन बैठ के करते हैं। 3 में से हमने 2 पहले कर लिए,
स्थित कोणासन हमने पहले कर लिया और हमने पश्चिम उत्तानासन पहले किया। अब हम करेंगे चक्की आसन। यस, जितना हो सके उतना पीछे, जितना हो सके उतना आगे झुकेंगे, हाथ सीधे, श्वास छोड़ के नीचे, श्वास लेते हुए पीछे। समत्वम योग उच्चते सुख दुखे समय कृत्वा लाभ नैवं पापमवाप्स्यसि। सुधारक वही बन सकता है जिसने स्वयं को सुधार लिया, अपने को, अपने शरीर को, अपने मन को, अपने चरित्र का कल्याण करके व्यक्ति फिर कल्याण करने के लिए निकले। ऐसे महर्षि दयानंद जी के भी वचन है। चलिए अब हम लेट जाएंगे अपने स्थान पर, पेट के बल, पेट के बल लेटेंगे और कुछ अभ्यास करेंगे। जो मोटापे का पैकेज अभी हम कर रहे हैं ना, तो आपने देखा कि 3-4 आसन खड़े होकर के किए, महाराज जी कराते हैं, उनके पैकेज की वीडियोस भी खूब सारी पड़ी हैं फेसबुक यूट्यूब पर। आप जरूर, आपने लाइक किया भी होगा और देखते रहा करें, जितना देखेंगे उतना अच्छा है। अब हम ये मकर आसन, ये तो रिलैक्सेशन पोज है, कमर के लिए भी अच्छा है और रिलैक्स भी होता है सिस्टम, फिर दोनों पैरों से। मकर आसन का पहला पोज है। दूसरा पोज मकर आसन के लिए, ऐसे हेड डाउन करना, दोनों हथेलियां एक दूसरे के ऊपर रखी, दोनों पैरों में गैप रखा 1 फीट का और एलियां अंदर पंजे बांधे। ऐसे जब हम रिलैक्स करते हैं तो इसे कहते हैं मकर आसन। कितनी देर करना चाहिए? 1.5 से 1 मिनट और फिर हम करेंगे दोनों पैरों को मिला करके भोजंगासन। दोनों हाथ छाती के अगल बगल रखे, दोनों पैरों को मिलाया ऊपर नीचे। अब इसी को स्पीड में करते हैं और वैसे पी के लिए गुड। नेक्स्ट भुजंगासन का सेकंड पोस्चर, दोनों हथेलियां एक दूसरे के ऊपर रखें और दोनों पैर मिलाएंगे और फिर से इसी को रिपीट करना है, पूरा ऊपर, श्वास भर के पूरा नीचे, कम से कम 20 times। रिलैक्स। मकर आसन में विश्राम करें क्योंकि शवासन तो नहीं कर पाएंगे, शवासन करने के लिए उल्टा फिर सीधा होना होगा, तो ऐसे मकर आसन में विश्राम कर दें। कई आसन विश्राम के लिए बनाए गए हैं, जैसे बैठ करके शशक आसन विश्राम के लिए है, लेट करके शवासन और पेट बल, पेट के बल लेट करके मकर आसन। अगला अभ्यास हम करेंगे शलभासन। शलभासन में दोनों हाथ जंघाओं के नीचे और राइट पैर उठाया, then left, then right, then left। फिर हम मोटापे में स्पीड में करते हैं। जिसको कमर दर्द है वो तो आराम आराम से ही करेगा, होल्ड करके करेगा, बट फॉर एबिलिटी वी इंक्रीज आवर स्पीड। मोटापे में हर पोस्चर को कम से कम 25 बार तो करना है, 25 times। फिर दोनों पैरों से तो ये दो आसन पेट के बल लेट करके रखे गए हैं मोटापे के पैकेज में। ये दो आसन कौन से? शलभासन, भुजंगासन और शलभासन, भुजंग और शलभ। वैसे तो हम धनुरासन भी करते हैं,
ऐसे धनुरासन करते हैं, लेकिन ये मोटे लोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनको छूट दे दी गई है कि तुम आसान आसानी कर लो और फिर सीधे लेट जाएंगे। सीधे लेट करके 5 आसन करते हैं तो कुल मिला के 14 आसन हो जाते हैं। और फिर प्राणायाम है, 5 प्राणायाम है, 6 प्राणायाम कराते हैं तो कुल मिला के 20 पॉइंट का पैकेज हो जाता है। तो मोटे लोगों के लिए एक ये मरकट आसन अच्छा है, ये भी रिलैक्सेशन पोज है और कमर के लिए भी अच्छा है और हमारे पेट के हिप्स के फैट के को भी कम करता है। ऐसे दोनों घुटने मिले हुए राइट में जाएंगे और गर्दन जाएगी लेफ्ट, फिर पैर जाएंगे राइट में, गर्दन लेफ्ट, पैर लेफ्ट, तो गर्दन राइट, अपोजिट मूवमेंट होगा आपके चिन का, फेस का, नीज के अपोजिट। फिर इसी का अगला अभ्यास, दोनों पैरों में गैप रखते हैं, दोनों पैर मोड़े हुए, दोनों पैरों में गैप रख के फिर इसी तरह, यह भी 25 बार। इससे आपकी गैस, कब्ज, एसिडिटी सब दूर होगी। एक रोग नहीं कि केवल मोटापा दूर होगा, लेकिन कब्ज नहीं दूर हो पाएगी, लेकिन यूरिक एसिड नहीं दूर हो पाएगी, यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, फैटी लीवर कैसे कम होगा, सारे के सारे रोग मल्टी बेनिफिशियल एक एक आसन है। और इतने सारे आसन करेंगे तो अलग अलग एंगल से अलग अलग ऑर्गन्स पर प्रभाव पड़ेगा इतने सारे आसनों का, तो आप कल्पना नहीं कर सकते कितनी जल्दी शरीर रिगेन करता है अपनी हेल्थ। और फिर साथ में आप गर्म पानी पीजिए, कुछ औषधियां खाइए, अश्वगंधा के पत्ते खाइए, नींबू पानी, गर्म पानी पीजिए, शहद खाइए, देखिए मोटापा कितनी जल्दी। अन्न मत खाइए कुछ दिन, केवल वो लीजिए, अंकुरित लीजिए, अपना पुष्टाहार दलिया है, मूंग की खिचड़ी है, बहुत हल्का खाना, लाइट फूड, फ्रूट्स लीजिए, अन्न छोड़ दीजिए, रोटी सब्जी दाल चावल उस दिन के लिए, 1 महीने के लिए, तो देखिए कितनी जल्दी आपका 1 महीने में 15 किलो तक, 15 से 20 किलो तक कम हो सकता है। वो आपके पुरुषार्थ पर और आपके संयम पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, अगला अभ्यास, दोनों हाथ अपने नितंब के नीचे, अर्धहलासन, अर्धहलासन, पैर पूरा 90 डिग्री ऊपर और फिर नीचे, श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे, फिर दोनों पैरों से करेंगे, तो आहार पर संयम, कम खाना लेकिन पौष्टिक खाना, लिक्विड ज्यादा लेना, फ्लूट ज्यादा लेना, पेस्ट, जूस ये अधिक लेना, और पूरी मेहनत कपाल भाती भी ज्यादा करना चाहिए मोटे लोगों को, आधे घंटे तक। ये अर्धलासन है। अब फिर इस तरह पादवृत्तासन, पैरों को गोल गोल घुमाना, पूरे पैर सीधे करके, इसे पादवृत्तासन है। इससे भी हिप्स का, नितंब, जंघाओं का, पैर का जो है फैट कम होता है। 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। फिर लेफ्ट, बाई ओर से और फिर एंटी क्लॉकवाइज। ये तो मैं थोड़ा थोड़ा करा रहा हूं क्योंकि ज्यादा पैकेज कराने हैं आपको, ज्यादा बताना है, लेकिन आप इतना नहीं करना, अगर फैट है तो ज्यादा करना, और किसी को करवा रहे तो भी ज्यादा करना, थोड़ा अगर थक जाए तो थोड़ा रिलैक्स कर लिया, लंबी गहरी श्वास ले ली, फिर से कर लिया, धीरे धीरे, एक दिन में भी नहीं बढ़ जाएगा, कम से कम 2-3 दिन लग जाएंगे उसे 25 तक पहुंचने में, 5 दिन भी लग सकते हैं किसी को, लेकिन उसका बल बढ़ेगा निश्चित रूप से, 1 महीने में उसका शरीर शेप में आ जाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे साइकिलिंग, ना साइकिलिंग के पहले दोनों पैरों से ऐसे पादवृत्तासन तो किया ही नहीं,
दोनों पैरों से, लेकिन जिसको कमर दर्द है वो एक एक पैर से ही किया, पैर को मोड़ना नहीं, पूरे पैर सीधे गोल गोल, और फिर देन एंटी क्लॉक। इससे भी लोअर बेली फैट, लोअर टमी यानी पेट की चर्बी और थाइस भी निकल होगी बहुत अच्छे से, दोनों पैरों से ज्यादा बल लगता है। अब साइकिलिंग ऐसे कितनी भी पैडल मारिए, 100 बार 500 बार, और फिर रिवर्स साइकिलिंग करेंगे, पूरे पैर सीधे करके साइकिल को एक से गोल गोल पैरों को घुमाना है सामने की ओर, और फिर दोनों पैरों से साइकिलिंग करेंगे। लंबी गहरी सांस लेते जाएंगे तो जल्दी थकेंगे नहीं, और पूरा कंसंट्रेशन हमारा थाइस पर या पेट पर जहां बल पड़ता है, और फिर रिवर्स साइकिलिंग कम से कम 10 बार रिवर्स साइकिलिंग। ये 4 अभ्यास हो गए। अब अगला है शवासन। ऐसे शवासन पूरे शरीर को ढीला छोड़ दे। तो हमने 4 आसन खड़े होके किए, तिर्यक ताड़ासन, कोण आसन, त्रिकोण आसन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोण आसन, कोण आसन और पाद हस्तासन। बैठ करके 3 आसन, पश्चिमोत्तान आसन, स्थित कोण आसन और चक्की आसन, फिर पेट के बल लेट करके 2 आसन, भुजंग आसन और शलभ आसन। मकर आसन एक सहायक पोषक था, और फिर लेट करके 5 आसन, मरकट आसन, अर्धहलासन, पादवृत्त आसन, द्विचक्रिका आसन। द्विचक्रिका साइकिलिंग साइकिल को कहते हैं संस्कृत में, द्विचक्रिका। पादवृत्त माने पाद को वृत्त, पैर पाद को पैर कहते हैं, और वृत्त माने गोला, पैर से गोला बनाना पादवृत्त, फिर द्विचक्रिका साइकिलिंग और ये शवासन। दोनों हाथों का घर्षण करके अपनी आंखों पर रखेंगे, और फिर लेफ्ट साइड से उठ करके बैठ जाएंगे, और बैठेंगे ऐसे, ऐसे बैठना है। इसे कहते हैं वज्रासन, वज्रासन में बैठना है। और फिर अगला अभ्यास, किसी को पेट की समस्या है, क्योंकि पेट सभी रोगों का एक कारण है, ज्यादातर रोग इनडाइजेशन से हो जाते हैं या स्ट्रेस के कारण से भी। जिसको स्ट्रेस की समस्या है, व्यायाम जरूर किया करें, व्यायाम यथा सामर्थ्य सूर्य नमस्कार किया करें, उसकी नेगेटिविटी निकलेगी। जैसे पसीना निकलेगा तो नेगेटिविटी भी शरीर से, ऐसे शरीर को जब हम हिलाते हैं तो नेगेटिविटी छिटक के बाहर जाती है, तो शरीर में जो बैड एक ऊर्जा है वो निकलेगी शरीर से। कपालभाति करना चाहिए, अनुलोम विलोम करना चाहिए, और भ्रामरी उद्गीत करना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, लाइट फूड खाना चाहिए, बुरी चीजें देखनी, दिन भर टीवी में सीरियल्स देखेंगे, कुछ पिक्चर्स देखेंगे तो फिर वही सब दिमाग में भर जाता है, नींद में भी वही आता है, और फिर हमारे संबंध भी बिगड़ते हैं। यदि हम संबंध पर फोकस नहीं करते, प्रेम नहीं रहता है, प्रेम भाव नहीं रहता है, तो फिर बहुत सारे कारण हो जाते हैं स्ट्रेस के। फिर हम ऊपर से गोली खाएंगे, दिमाग के लिए और हानि करती है, तो ये कोचक तो शुरू हो जाता है। तो स्ट्रेस से हम ऐसे बच सकते हैं, मेधावटी लेकर गले का सूक्ष्म व्यायाम भी अच्छा होता है, सरसों का ये बादाम का तेल अपना पतंजलि में आता है उसे नाक में डालना, या देसी गाय का घी नाक में डालना, जल नीति करने से भी ये नस नाड़ियां मजबूत होती हैं, प्रसन्न रहना, सेवा करने से स्ट्रेस नहीं होता। जब हम निष्काम सेवा करते, निष्काम यानी कोई कामना नहीं है मेरी तुमसे, तो मुझे कुछ ना दो लेकिन जो चाहिए वो लो, सब कुछ करना और कुछ ना चाहना, ये सेवा है, सब कुछ करना और कुछ ना चाहना, तो ऐसे स्ट्रेस नहीं होता है, और भगवान का भजन करने से स्ट्रेस नहीं होता है, अच्छी नींद, शवासन योग निद्रा करने से स्ट्रेस नहीं होता है, त्राटक आदि भी कर सकते हैं कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, स्वाध्याय करें,
तो ऐसे स्ट्रेस नहीं आएगा। नहीं, स्ट्रेस से पैंक्रियाज खराब होता है, लीवर खराब होता है, थायराइड ग्लैंड खराब होता है। थायराइड के लिए क्या करना चाहिए? उज्जायी प्राणायाम इज द बेस्ट थिंग फॉर थायराइड। थायराइड ग्लैंड होता है वो कम सेक्रेट करता है तो हाइपोथायराइड, और ज्यादा सेक्रेट करने लगता है हार्मोन्स तो हाइपरथायराइड होता है। तो उज्जायी करना चाहिए ऐसे। खांसी आएगी यदि आपका अभ्यास नहीं है तो खांस लो फिर करो। खांसी आए तो अच्छा है, यानी आप सही कर रहे। दो चार दिन में खांसी नहीं आएगी यदि आप अच्छा अभ्यास करेंगे तो। और फिर ऐसे श्वास अंदर भर करके जालंधर बंद लगा और ऐसे आधा से एक मिनट होल्ड करना, और फिर जब ना रोका जाए तो राइट नॉस्ट्रल को दबा करके लेफ्ट से श्वास छोड़। ऐसे तीन बार करना, पांच बार करना या ग्यारह बार करना, और फिर ऐसे गले की मसाज कर लेना। थायराइड ठीक हो जाएगा आपका निश्चित रूप से। पांच दिन में ही गोलियां बंद हो जाती हैं और 15 दिन में थायराइड ठीक हो जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है, पूछा लेकिन गले को टाइट करना। गले को टाइट करने की ऐसे करके ये मांसपेशियां लगा, ऐसे करके जालंधर बंद अच्छे से लगाना। जालंधर बंद लगेगा वो जाई करके थोड़ी श्वास छोड़ी, गले को टाइट किया। कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा करने में, 11 बार करो। और फिर सिंहासन, ऐसे जब हम इसमें बहुत ही अच्छा आसन होता है सिंहासन, और ऐसे हम वज्रासन में तो बैठना चाहिए ना। भोजन करने के बाद 5 मिनट जरूर वज्रासन में बैठा करें, भोजन अच्छे से पचेगा। दोनों पैरों को खोल करके हाथ ऐसे अंदर रखा और जीभ बाहर निकाल के शेर की तरह दहाड़ते हैं। जितनी फोर्स से दहाड़ हो और जितनी लंबी दहाड़ हो उतना अच्छा है, और पूरी मूलाधार से मूल बंद लगा करके पूरी शक्ति से दहाड़, पूरी जीभ बाहर और पूरा मुंह जितना खुलता है उतना मुंह खोल कर। भूल बंद और डियान बंद अपने आप लग जाएगा और जालंधर बंद भी अपने आप लग जाएगा जब जीभ बाहर निकलेगी तो। सबसे प्रिय आसन पूरा काम निकल जाता है। एक बार और तो ये इसकी विधि है। पूरा भूल बंद लगा के पेट अंदर खींच करके पूरे फोर्स से लंबा करना, कफ आए तो बाहर जाके थूक देना है। और इससे अनम्यूट करके मत करो मेरे शेरों, भारत में शेरों वाली है और हमारे जितने शेर और शेरनी जुड़े हैं सिंह सिंहनी, वो म्यूट करके करें, नहीं दूसरे तरीके सेशन कैसे चलेगा। और अब हमने सिंहासन किया, गले की ऐसे मसाज कर लिया करें 3 बार करके, और रोज करना चाहिए। तो जीवन में कभी थायराइड नहीं हो, खर्राटे की प्रॉब्लम आती है किसी को तो वो भी ऐसे ऐसे तो करना ही है। जिनको गले की संबंधी प्रॉब्लम है उन्हें सिंहासन भी करना, उज्जायी प्राणायाम भी। ये एक्यूप्रेशर हमारे कल चंदन जी ने बताया होगा, तो ये एक्यूप्रेशर अंगूठे के नीचे, ये तो फेमस एक्यूप्रेशर पॉइंट है थायराइड के लिए। तो ऐसे इसको 5 मिनट दबाया, कपाल उभाती करते हुए दबा सकते हैं। सारे प्राणायाम नहीं भी किए तो 2 प्राणायाम तो जरूर करना, कपालभाति और अनुलोम विलोम। जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा शरीर डिटॉक्सिफाई होगा और प्राण शक्ति मजबूत होगी। प्राण जीवन का आधार है। ये कोई डॉक्टर MBBS हो, कितनी भी डिग्री हो, वो आपको नहीं बताएगा कि प्राण आधार है। ये अपने गुरु, अपनी परंपरा, अपने वेद बताते हैं। कोई केमिकल आधार नहीं है कि ये शरीर का आधार फॉस्फोरस है या पोटेशियम है या कोई विटामिन है या कोई मिनरल है। इसी मिनरल के कम होने से शरीर नहीं मरता है, किसी प्रोटीन के कम होने से भी शरीर नहीं मरेगा, लेकिन प्राण नहीं मिलेंगे तो शरीर मर जाएगा, 2 मिनट में मर जाएगा। प्राण नहीं मिलेंगे तो इतना महत्वपूर्ण है प्राण, और प्राण सबसे बड़ी औषधि है। यदि शरीर में प्राण है तो शरीर खुद ही प्रोटीन, खुद ही मिनरल, खुद ही विटामिन जनरेट कर लेगा, सूखी रोटी से भी कर लेगा। प्राण शक्ति ठीक है तो
कुछ भी, प्राण हवा से ही जनरेट हो जाएंगे ये सारी चीजें शरीर के अंदर, ये चर्बी ही जनरेट कर लेगी उसको। लेकिन अगर प्राण नहीं है ना तो कितना भी मेवा खाओ, मिष्ठान खाओ, सौंठ के लड्डू खाओ, फिर वो हानि करेगा ऊपर से शरीर की। इसलिए उपवास करने को कहते हैं, उपवास सभी रोगों की दवा है। अगर पाचन शक्ति ठीक नहीं है तो उपवास कर लेना चाहिए, कम से कम रात का खाना तो छोड़ दे, पूरे दिन उपवास नहीं रहे तो। आइए मंडूक आसन करते हैं, उदर संबंधी सभी रोगों के लिए, चाहे हर्निया है या मूत्र रोग है या इनफर्टिलिटी है या डायबिटीज है या आंतों की समस्या है या अपचन, कब्ज, गैस, एसिडिटी या फैटी लिवर या यूरिक एसिड है, कोई भी समस्या है, इतने में मंडूक आसन और जो मैं अभी पांच आसन कराने जा रहा हूं वो मंडूक आसन आप जानते हैं, पूरी श्वास छोड़ के पेट अंदर और नीचे झुक करके रिलैक्स करना है, धीरे धीरे श्वास ले और छोड़ सकते हैं। 30 सेकंड तक कम से कम अपने पेट का ध्यान करें। इसकी 30 सेकंड होल्ड करना, जिसका अभ्यास होता है वो एक मिनट भी होल्ड कर सकते हैं और भी ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में नहीं होता है तो 15 सेकंड करें, दो तीन दिन में 30 सेकंड हो जाएगा। जिसका पेट थोड़ा मुलायम है उससे हो जाता है, पेट टाइट है तो उपवास करें, गर्म पानी पिए, पेट अच्छे से साफ होगा, और फिर ये दो तीन बार पांच बार इसको रिपीट कर लिया। फिर एक और अभ्यास है, ये थोड़ा आसान, ऐसे हाथों को रखना, ऐसे जो 30 सेकंड तक होल्ड कर, मूल बंद लगा के भी कर सकते हैं और ऐसे लेट करके कपाल भाते भी कर सकते हैं। तो उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है मंडूक आसन में कपाल भाती करना। हाँ, जिनको डायबिटीज है या कोई समस्या है पेट में तो उनका पेट बहुत मजबूत होगा, लेकिन यदि किसी को कोई समस्या अनुभव हो सकती है तो वो ना करे कपाल भाती। ये तो शरीर टू शरीर डिफर करेगा ना, तो आप अनुभव कर सकते हैं शरीर में मेरे कोई हानि हो रही है तो रोक दे, तो केवल मंडूक आसन। फिर दूसरे हाथ से, इस हाथ से करते हैं तो लीवर पर ज्यादा फर्क पड़ता है, लेफ्ट साइड से करते हैं, राइट साइड से करते हैं, लेफ्ट साइड से पैंक्रियास पर और राइट साइड हमारा लीवर होता है, तो राइट साइड पहले रखेंगे हैंड, फिर पूरा पेट अंदर श्वास छोड़ के और नीचे रिलैक्स, पूरा ध्यान पेट पर। बार बार आप मूल बंद का अभ्यास भी कर सकते हैं कि कम से कम मैं 15-20 बार मूल बंद लगाऊं, लगाया छोड़ा लगाया। मूल बंद बहुत शक्तिशाली बंद है, जिसको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इनफर्टिलिटी की स्पर्म काउंट्स कम है या ओवम ठीक नहीं बनता है या बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं यौन संबंधी रोग, तो उसमें बाह्य प्राणायाम बहुत बेस्ट होता है। मूल बंद बार बार लगाना छोड़ना बहुत बेस्ट होता है। आयुर्वेदिक औषधि तो वैद्य से पूछ करके आप ले, उसकी अभी चर्चा नहीं करेंगे। तो ये है मंडूक आसन, जबरदस्त है, रोज करना चाहिए। और फिर शशक आसन, ऐसे बने ऐसे ऐसे आधे मिनट, एक मिनट के लिए। और फिर एक शशक आसन में हम दोनों पैरों को स्ट्रेच भी कर सकते हैं, दोनों नीज को अपार्ट किया और हाथों को रख करके नीचे ऐसे स्लाइड किया, ऐसे हमारा पूरा पेल्विक रीजन जमीन से टच हो जाता और हमारी छाती भी जमीन से टच हो जाती। तो ये भी एक शशक आसन का थोड़ा डाइवर्जन है। तो ये भी हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए, तितली आसन तो अच्छा होता है, ये भी अच्छा है, इनफर्टिलिटी के लिए बहुत सारी औषधियां आती हैं। तो पेट स्वस्थ करने की हम बात कर रहे थे, फिर इसके लिए पेट स्वस्थ करने के लिए गोमुख आसन डायबिटीज के लिए, पांच आसन मुख्य बताते हैं डायबिटीज के लिए, जो पैरों पर है वही हाथों पर, कौन कौन से, मंडूक आसन, शशक आसन, गोमुख आसन, वक्रासन और योग मुद्रा आसन। डायबिटीज वालों को ये पांच आसन कर लेंगे तो उनकी डायबिटीज ठीक हो जाएगी। और फिर आधे घंटे कपाल भाती,
आराम से एक महीने के भीतर भीतर, किसी की 15 दिन में हो जाती है, किसी की 7 दिन में होती है, किसी की 3 दिन में, और किसी की 1 दिन में ही नॉर्मल हो जाती है, और उसकी दवाई छूट जाएगी, इंसुलिन छूट जाएगी, इंसुलिन के इंजेक्शन बंद हो जाएंगे, नहीं तो बद से बदतर हालत होती है हो जाती है, जो केवल दवाइयों पर ही निर्भर रहते हैं एलोपैथी की, तो उनकी हालत बद से बदतर हो जाती है। लेफ्ट साइड से, दूसरी साइड से करना। सो हम होल्ड करते हैं 30 सेकंड, पूरा ध्यान अपने स्वाधिष्ठान चक्र पर। ऐसे बैठना भी हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए अच्छा होता है, इसे गोमुख आसन कहते हैं। ऐसे गोमुख आसन करने से मूत्र रोग ठीक होते हैं, डायबिटीज वालों को भी मूत्र रोग हो जाते हैं, तो ऐसे बैठना भी बहुत अच्छा होता है, ऐसे करके बैठना, या हाथों और कंधों के लिए भी ऐसे करना। ये लेफ्ट पैर ऊपर है तो लेफ्ट हैंड ऊपर रहेगा। नेक्स्ट हम करते हैं वक्रासन। ये दंडासन की स्थिति है, दंडासन में बैठ करके वक्रासन आप सभी जानते हैं। राइट पैर मोड़ा, राइट हैंड पीछे रखते, लेफ्ट उठा करके साइड से ला करके घुटनों को पकड़ा और पीछे देखा, फिर दूसरी साइड से इसी को रिपीट करना, 30 सेकंड्स होल्ड करना। चेहरे पर प्रसन्नता, पूरा ध्यान नाभि पर, पेट पर, इससे पेट पूरा निचुड़ जाता है, खिंचाव होता है, पेट के अंगों का व्यायाम होता है, पेट के अंदर जो गैस है वो रिलीज होती है। जितना हम पीछे मुड़ेंगे, होल्ड करेंगे, उतना अच्छा अभ्यास है, इसे कहते हैं वक्रासन। मत्स्येंद्रासन भी इसी तरह होता है, वो थोड़ा कठिन है इसलिए उसको पैकेज में नहीं रखता। फिर योग मुद्रा आसन एक अच्छा पोस्चर है पेट के लिए, ऐसे पद्मासन लगाना और इसको और आसान कर दिया गया है, ऐसे हाथों को ऐसे रखना पेट पर, और वो मंडूकासन की तरह ही है। मंडूकासन वज्रासन में बैठ कर करके करते हैं, और ये योग मुद्रा आसन पद्मासन में बैठ करके करते हैं, पेट अंदर खींच के नीचे झुके, अपनी ठोड़ी को जमीन तक ले गए, वापस इसी तरह दूसरे हाथ से करना। वापस ये है योग मुद्रा आसन। पेट के लिए और भी अच्छे आसन है लेट करके जो करते हैं, लेट जाएंगे सभी अपने स्थान पर, सीधे लेटना है, और हम करेंगे पवन मुक्तासन। दोनों पैर उठा करके मोड़ना है और ऐसे हाथों की उंगली इंटरलॉक करके अपने घुटनों को छाती से लगाया और ठोड़ी को घुटनों से, श्वास छोड़, ये पवन मुक्तासन में 30 सेकंड होल्ड करके, और फिर होल्ड करने के बाद ऐसे झूला भी झूल सकते हैं, अपने पीठ की मांसपेशियों की मसाज हो जाती है, और फिर लेफ्ट राइट भी, दाएं बाएं। इसे कहते हैं पवन मुक्तासन। और भी अच्छा अभ्यास, ऐसे जो हमारे पेट और जननांगों के लिए अच्छा है, लेट करके तितली आसन करना, ऐसे पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्श आसन, तितली आसन का पोस्चर करके अपने पैर को खींच करके ऊपर लाना और अपनी नासिका से टच करने का प्रयास करना। यदि नासिका टच नहीं होती तो जहां तक होता है वहां तक ले जाकर के होल्ड करना, इसे कहते हैं पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्श आसन। तितली आसन में जैसे वैसा ही पोस्चर होता है, होल्ड करने का महत्व है, इससे ना माताओं बहनों को ना कोई मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगी,
और प्रेगनेंसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है अगर वो ये अभ्यास करती है तो। जिसकी नाभि टिक जाती है तो वो क्या किया करे, उत्तान पान आसन, दोनों हाथ अपने नितंब के नीचे रख के 45 डिग्री पैर को उठाए, बस दो एक फीट ऐसे पैर को उठा करके एक मिनट तक होल्ड किया। एक मिनट नहीं कर सकते तो आधा मिनट होल्ड किया। जिसको भूख नहीं लगती, जिसको गैस बहुत है पेट में कमजोरी है, लूज मोशन हो जाता है, तो मूल बंद लगा करके कब्ज है, ऐसे एक मिनट तक होल्ड किया करें। थोड़ा सा दम तो लगेगा लेकिन आपका पेट फिर लोहे को भी पचा सकता है, इतना मजबूत पेट को बनाना है, पेट की मांसपेशियों को बनाना। इसे कहते हैं उत्तान पाद आसन, पेट को मजबूत बनाने के लिए, पेट के सारे रोगों को दूर करें। पेट यानी कि उसमें पैंक्रियास भी आ गए, उसमें लीवर भी आ गया, आंते भी आ गए, पेट माने केवल स्टमक नहीं। और दूसरा आसन है जिसकी नाभि टिक जाती है, नौका आसन, दोनों हाथ थाइस पे रख के ऐसे श्वास भर के ऊपर उठे एक मिनट के लिए, पूरे शरीर को स्थिर रखा, पूरा ध्यान नाभि पर, सांसें सामान्य, होल्ड एटलीस्ट फॉर 1 मिनट। शुरुआत में कर रहे हैं तो 30 सेकंड भी चलेगा, तो इससे आपकी जो लीवर की समस्या है, चाहे फैटी लीवर है या यूरिक एसिड बढ़ा है या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हैं, सब दूर होगी। ये पेट के लिए ये 10 आसनों का पैकेज होता है, 5 आसन बैठ के करते हैं और फिर 5 आसन लेट करके कर लेते हैं, जिसमें कि हमने कर ही लिए ये, और फिर एक हमने तो ये पहले ही किया था, इसे अर्धलासन कहते हैं। तो 5 आसन बैठ करके करने के बाद कौन से किए, 5 आसन लेट करके, पवन मुक्त आसन, पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्शासन, उत्तान पादासन, नौका आसन और ये अर्धलासन, और बैठ करके मंडूकासन, गोमुखासन, शशकासन, वक्रासन और योग मुद्रासन, फिर लास्ट में शवासन कर लेना चाहिए। चलिए बैठेंगे अब शवासन, तो इतना तो हमने कठिन नहीं किया। और फिर इसी तरह कमर दर्द के लिए केवल नाम बता रहा हूं, कमर दर्द के लिए आसन करना चाहिए ऐसे घुटने के बल बैठ करके, घुटने के बल खड़े होकर के ऐसे अर्ध चंद्रासन। जो पूरा चक्रासन तो बहुत अच्छा होता है, जो चक्रासन नहीं कर पाते वैसे अर्ध चंद्रासन करते हैं, ऐसे 15 सेकंड होल्ड करना है। और अर्ध उष्ट्रासन भी कमर के लिए, जिनको कमर की प्रॉब्लम है, पीठ दर्द होती है, तो इससे ये हृदय के लिए भी अच्छा है। ये बैक बेंडिंग के पोस्चर्स लंग्स को भी मजबूत करते हैं, हृदय को भी, और कमर तो फ्लेक्सिबल होती है, कमर के लिए सबसे अच्छे पोस्चर्स होते हैं बैक बेंडिंग के। ये पूर्ण उष्ट्रासन, उष्ट्रासन जो कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। फिर रिलैक्स होने के लिए शशक आसन करते हैं, जब बैठ करके थक जाते हैं तो शशक आसन। वैसे तो युवाओं के लिए, तो जो बच्चे हैं, युवा हैं, उनके लिए 5 आसन कौन से हैं, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन और पश्चिमोत्तानासन। ये 5 आसन बच्चों को जरूर कराने चाहिए। और कमर दर्द के लिए तो ये 3 आसन ही, फिर पेट के बल लेट करके मकर आसन, भुजंगासन, शलभासन, जो हमने मोटापे में तेज दिया था उसमें होल्ड करना है 30 सेकंड, भुजंगासन, शलभासन और ये धनुरासन, और फिर पीठ के बल लेट करके मरकट आसन और कंधासन, सेतु बंधासन भी कर सकते हैं, और फिर एक पैर से पवन मुक्तासन,
एक पाद पवन मुक्तासन जिसे कहते हैं, एक पाद अर्धलासन, एक एक पैर से अर्धलासन। तो ये 10 आसन कमर दर्द में और एक पैर से पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्श आसन, ये 10 आसन, ये 12 आसन है कमर दर्द के लिए, और हमने 10 आसन पेट के लिए किए, 14 आसन उसके लिए मोटापे के लिए किए, और प्राणायाम तो आप सब जानते ही हैं। तो आज का ये योग सत्र, आप सबको आसन की जानकारी हमने दी और 7 बजे हैं। अब आप भस्त्रिका, कपाल भाती, अनुलोम विलोम अपने से करना है। अभी हमारे पूज्य स्वामी प्रणव देव जी हमारे साथ उपस्थित हो गए हैं क्या, तो वो गीता में योग की चर्चा जो भगवान ने की है वो करेंगे, और आप सब भस्त्रिका करें। अभी ओवर टू यू है कि आप भस्त्रिका करेंगे 5 मिनट, फिर 15 मिनट कपाल भाती, 15 मिनट अनुलोम विलोम, और फिर लास्ट में 5-5 बार भ्रामरी उद्गीत करके, प्रणव ध्यान करके शांति पाठ हमारे पूज्य प्रणव देव जी ही करेंगे। इसको उठाओ माइक। तो ये आसन है रोगा के लिए भी बताएं, उज्जाई सिंहासन, गले के सूक्ष्म व्यायाम, पहेड़ा चूर्ण चाय, औषधियां साथ में लेते हैं तो औषधियों का लाभ कब होता है ये भी ध्यान से सुनना चाहिए। औषधियों का लाभ तब होगा जब आप पूरे शरीर का मूवमेंट यानी योग अभ्यास करते हैं, आसन प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम कम से कम, तो और सुबह भी करें शाम को भी करें तो जल्दी लाभ होगा। आहार पर संयम खाएं, ज्यादा मीठा ना खाएं, नमक ना खाएं, फिर जिसको स्किन डिजीज है या कोई भी शरीर डेप्रिशिएट कर रहा है तो नमक और जल्दी डेप्रिशिएट करेगा शरीर। सेंधा नमक का हल्का प्रयोग करें, ज्यादा मिर्च मसाला, ज्यादा खट्टा ना खाएं। ये सब बच्चों के आहार है या उनको चल जाएगा जो रोज बहुत मेहनत करता है, जो बहुत व्यायाम करता है, वो कुछ गलत भी खा लेगा तो बच जाएगा, लेकिन उतनी मेहनत व्यक्ति नहीं करता है तो उसको खाने पर संयम करना चाहिए, उसको जो है स्वाद के चक्कर में ज्यादा नहीं। और अपने अंकुरित खाए, उसमें नींबू और थोड़ा धनिया डाल करके वो भी स्वादिष्ट लगता है। जूस पिए, सब्जियों का जूस पिए, नेचुरल फूड खाए, रॉ फूड खाए, कच्चा आहार ले, सब्जियों के पत्तियों को उबाल करके खाए, सूप बना करके, टमाटो का सूप बनाए, बीट, गाजर, टमाटर, आंवला, बीट, कैरेट, जिंजर और ये लहसुन, इसको और ये हल्दी, इसको मिला करके जो शेक बनाते हैं वो बहुत पावरफुल होता है। इसे एंटी कैंसरस शेक भी कहते हैं, एंटी कैंसरस पेस्ट, ये योग ग्राम में भी दिया जाता है, शरीर करता है और काफी फायदेमंद है। ये जो भी सब्जियां आपके घर में, ये मूली है, गाजर है, शलगम है, इसको सुबह नाश्ते में थोड़ा थोड़ा ही ले लें, चबा चबा के खाएंगे तो ज्यादा। तो अभी हमारे पूज्य स्वामी ने नहीं है क्या किशोर जी, प्रणव देव जी महाराज आप ऑडियो अनम्यूट कीजिए। उनका स्वाभिमान ट्रस्ट तेलंगाना की ओर से पूज्य स्वामी प्रणव देव जी महाराज को हार्दिक कोटि कोटि प्रणाम। आप अनम्यूट कीजिए, आप अनम्यूट नहीं किया स्वामी जी महाराज। किस नाम से? ऑडियो अनम्यूट कीजिए स्वामी जी महाराज। स्वामी प्रणादेव जी के नाम से नहीं दिख रहा है, स्वामी जगतदेव जी के नाम से है वो, तो कोहोस्ट है। नहीं, पूज्य स्वामी जी के नाम से है। हाय हाय हाय, बहुत बहुत आवाज आ रही होगी। आ रहे हाँ जी, मैं अनम्यूट पे ही था परंतु वहां से म्यूट कर दिया गया था।
सभी को प्रणाम। स्थिरता पूर्वक बैठ के हम पहले मंत्र पाठ करते हैं। मंत्र का अर्थ पता हो या ना हो, भावना से स्मरण करें उस प्रभु पर गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उपस्थित सभी माताओं को, पितृतुल बुजुर्गों को, मेरे भाइयों को, बहनों को, सभी को प्रणाम है मेरे तरफ से। हम भगवद गीता पे चर्चा करने वाले हैं, तो ऑडियो सभी को क्लियर आ रहा होगा ऐसे मानता हूँ। एक बार कोई बोल दे ठीक आ रहा है तो फिर मैं शुरू कर लेता हूँ। यस ठीक है, बिल्कुल प्रणाम जी, एकदम बढ़िया। भगवत गीता, पहले हम भगवत गीता को इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर तृतीय अध्याय, क्योंकि परम पूज्य स्वामी जी को कर्मयोग बहुत पसंद है और उसके बिना किसी का जीवन हो ही नहीं सकता, तो हम तृतीय अध्याय पे चर्चा करेंगे। परंतु उससे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं भगवत गीता। इस भगवत गीता के स्पीकर ऑफ कर लें। भगवत गीता कवर पेज पे आपको क्या दिखते हैं? भगवान श्री कृष्ण दिखते हैं और अर्जुन भी दिखते हैं हमको बैठे हुए, और रथ है, घोड़े हैं। तो इसको पहले समझ के फिर आगे बढ़ रहे हैं। वर्तमान में समझना, कोई भी शास्त्र को भूतकाल में जाके नहीं समझना, क्योंकि भगवत गीता भले ही महाभारत का एक आम सारांश है, जैसे वेद का वेदांत एक होता है, ऐसे महाभारत का एक सारांश है। महाभारत जो है इतिहास का विषय हो सकता है, लेकिन भगवत गीता हर समय के लिए प्रासंगिक है। ये भूतकाल के लिए भी उतना ही प्रासंगिक था, वर्तमान के लिए और भविष्य के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है। अभी वर्तमान से जोड़ के देखेंगे शास्त्र, भूतकाल में ऐसे कहें ऐसे नहीं देखना है हमको, वर्तमान में। तो वर्तमान की ही दृष्टि से लिखा गया है शास्त्र, तो क्या लिखा गया है उसको हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले जो रथ दिख रहे हैं हमको, जो रथ, जिस रथ पे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन बैठे हैं, वो रथ हमारा शरीर है। ये पूरा हमारा शरीर रथ है, इसके अंदर हम सवार हैं। हम हैं अर्जुन, जो गीता का अध्ययन करने वाले हैं वो सारे लोग अर्जुन हैं। वो अर्जुन का मतलब महिला हो या पुरुष हो, कोई भी हो, वो अर्जुन ही है, क्योंकि आत्मा को ही अर्जुन बोलते हैं। आत्मा सभी की एक ही है, एक ही है का मतलब आत्मा कोई पुल्लिंग नहीं है, न स्त्रीलिंग होता है। आत्मा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नहीं होता है, वो तो शरीर का थोड़ा भेद के कारण वो संज्ञा स्त्री पुरुष दिए जाते हैं, लेकिन शास्त्रों में पुरुष शब्द का मतलब ही आत्मा। शास्त्रों में कहीं पे पुरुष आएगा उसका मतलब ये पुरुष नहीं जो हम व्यवहार में करते हैं, आत्मा को पुरुष कहते हैं। यहाँ पर आत्मा को ही अर्जुन समझे, माने अपने आप को अर्जुन। इस शरीर में हम बैठे हैं, लेकिन हमारे साथ वो सर्वेश्वर जो सर्वव्यापक है, वो भी हमारे उसी रथ में बैठा है। आज जूम मीटिंग हो, कृपया म्यूट कर लें बाकी के लोग। इस रथ में दो लोग हो गए, हम स्वयं हो गए और भगवान श्री कृष्ण हो गए। लेकिन ये याद रखना, भगवान श्री कृष्ण अपने मनमानी जहां मांग करे इस रथ को नहीं लेके जाएंगे, वही सारथी हैं। कहां लेके जाएंगे? जहां हमारी इच्छा होगी, जहां अर्जुन इच्छा करेगा वहां ये शरीर को लेके जाएंगे, इस रथ को लेके जाएंगे। किसके द्वारा लेके जाएंगे? घोड़ों के द्वारा। ये घोड़े हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं,
पंच ज्ञानेंद्रियां जो है आंख नाक जिह्वा कर्ण पख, जिससे हमको ज्ञान होता है हमारे शरीर में, हमको सबको ज्ञान होता है ना, देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है वो ज्ञान हो रहा है, सुन रहे हैं तो क्या सुनाई दे रहा है, नाकों के द्वारा क्या स्मेल है, टेस्ट के द्वारा मीठा है खट्टा है, और स्पर्श के द्वारा गर्मी है ठंडी, हमको ज्ञान होता है। ये पांच ज्ञानेंद्रियां जो है यही हमारे घोड़े, जिनके कारण हम गति करते हैं, तय करते हैं हमको क्या करना है क्या नहीं करना है इन ज्ञान के द्वारा। तो ये पांच घोड़े हैं, ये है श्री कृष्ण उनके चालक हैं, लेकिन वो वही लेके जाएंगे जहां हमारी इच्छा होगी, अर्जुन की इच्छा होगी, अर्जुन को तय करना है। अर्जुन बीच बीच में हार जाएगा तो याद रखें ये वर्तमान में है, अपने आप पे घटाए हम, भगवत गीता को अपने से जोड़ के देखें, कोई एक अर्जुन कोई एक कृष्ण करके नहीं देखना, नहीं तो इसका लाभ नहीं। शास्त्र इस दृष्टि से बनाया ही नहीं गया है, शास्त्र जिस दृष्टि से बनाया गया है उस दृष्टि को हम समझें। यहाँ पर हम अर्जुन को सर्वैश्वर्यवान ओंकार हमारे भीतर उपस्थित होते, उसको यहाँ पे ओंकार को श्री कृष्ण नाम से बताया जाएगा बार बार, तो हम उसको स्वीकार करें। उसको देखो, क्या आप देखें महाभारत के युद्ध में अर्जुन के लिए क्या भगवान श्री कृष्ण जी ने युद्ध किया क्या? नहीं किया। ऐसे ही हमारे भीतर और सभी के भीतर पूरे जगत के हर कण में उपस्थित होते हुए भी ओंकार कभी युद्ध नहीं करेंगे, उनकी मर्यादा है अपनी। भगवान श्री कृष्ण जैसे युद्ध नहीं किए महाभारत के इतने भयंकर युद्ध में, तो हम हमारे भीतर जो महाभारत का युद्ध चलता है उसमें भगवान क्यों करेंगे युद्ध? युद्ध हम ही को करना है, लेकिन गाइडेंस उसी का होगा। शरणागति अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के ही शरण में जाना है। ऐसे हम सबको हमारे भीतर जो सर्वैश्वर्यवान सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान ओंकार है, हमारे भीतर ही, बाहर नहीं, बाहर भी है लेकिन आपको अनुभव कब होगा? एक छोटी सी चीज बोलता हूं, हमने सदा अभी तक जो भी जगत को देखे, माता पिता भाई बहन ठंडी गर्मी अच्छा बुरा कोई भी चीज, हमने सभी अपने भीतर ही देखे, अपने आप में ही अनुभव किए, हम बाहर कोई भी चीज को अनुभव नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण के लिए मैं ये किताब को देख रहा हूँ, तो ये किताब मुझे यहाँ नहीं दिखेगी, इसके द्वारा प्रकाशित होकर मेरे मन में मुझे दिख रही है। तो हम हर चीज को अपने भीतर लेके वहां से देखते हैं, वहीं से अनुभव करते हैं हर चीज। बाहर का चीज, जैसे अमेरिका में अगर अग्नि जल गई, फॉरेस्ट जल रहे हैं, आपको थोड़ी गर्मी लगेगी, आप जब पहुंचोगे आपके शरीर को जब अनुभव होगा आपके भीतर, तब आपको पता चलेगा, उसके बिना नहीं पता चलेगा। जैसे हम निद्रा में हैं, निद्रा में हमारे पास हमारे अतिथि हमको चल गए, मिलके चल गए, लेकिन हम निद्रा में ही थे तो हमको थोड़े पता चलेगा, हमको जब हमारे भीतर उतरेगा तब समझ में आएगा हमको। इसको हम ध्यान रखें, तो हम अपने भीतर हम उस ओंकार को स्वीकार करें सबसे पहले, उसके गाइडेंस में चले। उसके गाइडेंस में कैसे चले? तो सबसे पहले है श्रद्धा, ज्ञान। देखो ज्ञान आगे की चीज होती है, ज्ञान का मतलब शाब्दिक ज्ञान नहीं, शब्द के ज्ञान को ज्ञान नहीं बोलते, ये तो इंफॉर्मेशन होते हैं। जैसे शास्त्र पढ़ लिए तो हाँ आत्मा है परमात्मा है, ये इंफॉर्मेशन है, इसको ज्ञान नहीं बोलते। ज्ञान अनुभव को ज्ञान बोलते हैं, अगर जब हम अनुभव करने लगते हैं उसको, वो आगे का विषय होता है अनुभव करना, लेकिन सबसे पहले होता है श्रद्धा। इसके लिए गीता में भी उपनिषद वेदों में भी सबसे ऊपर रखा गया है श्रद्धा शुरू में, क्योंकि श्रद्धा ही वो नौका है जिस जो हमको पहुंचा देगी अपने लक्ष्य पे, उस अनुभूति पे, आत्मज्ञान की, माने आत्मज्ञान को ही ज्ञान बोलते हैं असली में। तो उसके लिए श्रद्धा, इसके लिए होती है श्रद्धा मतलब अनुभव आत्मा। श्रद्धावान लभते जैनम, गीता में बार बार आएगा। इसके लिए सबसे पहले श्रद्धा, श्रद्धा का मतलब अटूट विश्वास अपने शास्त्रों में, अपने आप पर अटूट विश्वास, ये हमको याद रखें। जब ये हो जाएगा, इस श्रद्धा के साथ चलेंगे, श्रद्धा उसी को बोलते हैं जो टूटती हुई, ऐसी श्रद्धा के साथ जब चलेंगे तो अपने आप अनुभव 100% होगा, क्योंकि शास्त्र कभी भी असंभव चीजें नहीं बताती हैं। जो संभव है हमारे लिए इस शरीर में, हम जिसको घटित कर सकते हैं, जो अनुभव कर सकते हैं, उसी को शास्त्र बताते हैं, दूसरा कोई गाइडेंस नहीं होता शास्त्र का। तो हर संभव चीज, संभव है तो हम कर सकते हैं सभी,
कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हमको एक मार्गदर्शन में चल के करना पड़ता है। अपने आप मनमानी करेंगे तो फिर हमारे घोड़े यहाँ वहां ही दौड़ाएंगे, लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे, बीच बीच में निराश हो जाते हैं। जैसे अर्जुन भी इतने बड़े योद्धा स्वयं निराश हो गए, लेकिन तभी भगवान श्री कृष्ण तैयार नहीं है, कितनी भी स्थिति हो नहीं लड़ेंगे, ऐसे ओंकार लड़ेंगे नहीं, हमको लड़ना है। इच्छा हमको, वो इच्छा पैदा करने के लिए हर समय ओंकार हमको भी प्रेरणा देते हैं, उस प्रेरणा को अनुभव करने के लिए भी पात्रता चाहिए, हमारी पात्रता उसकी तरफ हमको देखना पड़ेगा, तभी होगा। अर्जुन अगर उनको सुनेंगे ही नहीं तो कहां से होगा बात। इसके लिए हमको अपने भीतर जो उपस्थित है उसको अनुभव करने के तरीके जानने हैं। है होते हुए, जैसे दूध में घी होते हुए थोड़े दिखती है हमको, उसका एक प्रोसेस है, एक तरीका है उसको घी निकालने का। डायरेक्ट ऐसे ही सोचो मुझे तो घी दिख ही नहीं रही, तो ऐसे नहीं है, निकालने का तरीका होता है, उस तरीके से विधि विधान से हम चलते हैं तो चीजें होती है, घटित होगी, उसके बिना नहीं होगा। तो इसके लिए हम याद रखें। अब हम तृतीय अध्याय में हम बढ़ेंगे, तो जहां जहां अर्जुन शब्द आएगा, अर्जुन उवाच माने अर्जुन जी ने कहा, अर्जुन जी कहेंगे कुछ नहीं, अधिकतर प्रश्न ही करेंगे, अपने मन की भावनाएं पीड़ाएं रख देंगे, क्योंकि सभी को पीड़ा होती, सभी जो शरीर में जीव हैं सबको एक प्रकार की पीड़ा तो होती है, तो पीड़ाओं से पार जाना चाहते हैं, उसके लिए भगवान श्री कृष्ण ओंकार का उनकी शरणागति होना जरूरी है। सिर्फ शरणागति से नहीं चलेगा, शरणागति होने के बाद क्या है, वहां से गाइडेंस मिलेगा, क्योंकि जैसे हमारे गाड़ी में पेट्रोल है लेकिन हम उसका प्रयोग नहीं कर रहे गाड़ी का, तो वेस्ट हो जाएगा ना, पेट्रोल भी गाड़ी भी वेस्ट है, प्रयोग ही नहीं कर रहे। इसके लिए जब तक हमारा शरीर है और इसमें जब तक ऊर्जा है तब तक हम इससे कर्म करें। वो कैसे करना है वो विधान फिर हम शरणागति होने पर ठीक ठीक पता चलता है। अपने आप शरणागति का मतलब अपने आप का ज्ञान, आगे चल के बोल देंगे भगवान श्री कृष्ण, अरे अर्जुन भी मैं ही हूं करके, पांडवा नाम धनंजय हूं करके, सिद्धा नाम कब, आगे वो चर्चा होगी, वो आगे का है, अभी उसमें नहीं जाता हूं मैं। तो जहां जहां अर्जुन वाच आएगा माने अर्जुन का मतलब हम स्वयं प्रश्न कर रहे हैं अपने भीतर उपस्थित उस परमात्मा से, और जहां जहां आएगा श्री भगवान वाच या श्री कृष्ण वाच, तो वहां वहां ओंकार की तरफ से जो हम नहीं जान पा रहे वो ऋषियों ने एक शास्त्र बद्ध करके हमको उपस्थित कर रहे, भगवान आपको ये निर्देश दे रहे हैं। अगर आप अपने आप अनुभव करने लगे तो आपके लिए शास्त्र की जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर जैसे आप शुरू में किसी को आता नहीं क्या है, पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं कोई भी चीज के, मान लो आप यहां से दिल्ली जा रहे हो, पहले अभी तो गाड़ियां हैं, रूटर होता है मोबाइल में, मोबाइल वोबाइल नहीं है, आपको क्या है कि देखना पड़ता था मैप कैसे कैसे जाना है, जब आपको रास्ता पता है तो मैप देखने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए शास्त्र आपको गाइड कर देते हैं, आपको जब अनुभव होने लगा फिर आपको शास्त्र काम नहीं करेंगे, जरूरत नहीं पड़ेगा इसका, अगर होगा तो और अच्छी बात है, क्योंकि दूसरों को समझाने में आसान पड़ेगा, तो वो स्थिति तक पहुंचाते हैं। आइए हम तृतीय अध्याय का प्रारंभ करते हैं। मैं पहले श्लोक गाऊंगा, आप लोग को भी गाना है, लेकिन म्यूट रख के ही, अनम्यूट होके नहीं गाना है, म्यूट रखते हुए ही वहीं पर उसको गा लेना है, क्योंकि शास्त्रों का स्मरण करेंगे तो भी हमको वो चीजें जो हमको मार्गदर्शन मिला है वो हमको याद रहेंगी चीजें। चलिए, ओम श्री परमात्मने नमः। मैं परमात्मा को नमन कहाँ कर रहा हूँ, अपने भीतर और मेरे बाहर भी, आप लोग के भीतर उसी स्वरूप में, आप लोग को भी देख के आप लोग को भी उसी के स्वरूप में नमस्कार कर रहा हूँ। अथ तृतीयोध्याय अर्जुन उवाच। अब ये भूमिका थोड़ा बता देता हूं क्या है, क्योंकि पहला अध्याय है गीता का, पहला अध्याय इसको अर्जुन विषाद योग बोलते हैं, क्योंकि अर्जुन दुखी हो गए जब श्री कृष्ण की उपस्थिति को वैसे नहीं ले पाए, जैसे ओंकार की उपस्थिति सभी के भीतर है लेकिन वो कितने शक्तिशाली है, कितना क्या है, कितना हमको मार्गदर्शन कर सकते, वो नहीं पता है, तब तक हम भी निराश हो जाएंगे सब लोग। ऐसे
उनकी उनको नहीं जानते हुए श्री कृष्ण बैठे हैं, लेकिन श्री कृष्ण को उनकी शक्तियों को उनकी उपस्थिति को ठीक प्रकार से नहीं जानने के कारण अर्जुन दुविधा में पड़ के दुखी है, विषाद में चल गया मेरे अध्याय और निर्णय जो मन कर युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा मतलब मैं कर्म नहीं करूंगा, ऐसे तय कर लिया, क्योंकि सबके अपने अपने कर्तव्य होते, कर्तव्य का मतलब जिम्मेदारियां। आप घर पे हो तो माता पिता की जिम्मेदारी आपकी, बच्चों की जिम्मेदारी आपकी, सबकी अपने अपने जिम्मेदारियां होती है ना, कोई प्राइम मिनिस्टर है तो देश की जिम्मेदारी उनकी है, तो जो जिम्मेदारी उसी को कर्तव्य होते हैं, वो करना होता है आगे और उसको ठीक प्रकार से निभाना होता है। उसके लिए सहायक बहुत सहायता करती है हमारे शास्त्रें और हमारा अपना अपने भीतर जो अनुभव है वो दोनों। तो दूसरे अध्याय में जब आते हैं तो भगवान श्री कृष्ण वहां पे फिर बताते हैं, देख भाई अर्जुन इतना दुखी अपने आप मत हो, पहले प्रेरणा देते हैं, अपने आप के बारे में नहीं बताते भगवान श्री कृष्ण मैं कैसे हूँ क्या है, वो अपने आप बस मित्र मानता मेरे जैसे ही है श्री कृष्ण जी सामान्य है, तो अपने जो समान रहते उससे हम कभी भी कोई सजेशंस नहीं लेते हैं, कोई गाइडेंस नहीं लेते, जो हमारे समान लोग होते हैं थोड़ा बड़े हुए तो भी उससे नहीं लेते, जब हमको उनकी शक्तियां पता चलती है तब हम उनसे लेते हैं गाइडेंस, उसके बिना गाइडेंस नहीं लेते कोई भी जल्दी। इसके लिए यहाँ पे अभी नहीं जानते, तभी भी भगवान श्री कृष्ण वहां पे दे रहे हैं उनको दूसरे अध्याय में क्या ज्ञान योग है, उसमें बता रहे हैं तत्वों के बारे में बता रहे हैं क्या क्या तत्व है, अरे तेरे भीतर क्या है बाहर क्या है असली में क्या है, ये सब चीजें दूसरे अध्याय में बताए और ध्यान की महिमा भी बताए, ज्ञान मार्ग की महिमा बहुत गा दी। तो अर्जुन के मन में आया अरे ये इतने सारे झमेले हैं, इतने सारे कर्तव्य हैं, जिम्मेदारियां मेरे ऊपर है, वो सब छोड़ के हैं, क्योंकि जिम्मेदारियां जब निभाते तो सबको दिक्कत आएंगी, आप जब ऑफिस में रहते हो काम करते हो आप बिजनेस करते हो तो उसमें अनेकों प्रकार के आएंगी, क्योंकि आप अकेले से रिलेटेड थोड़े हो, पूरे समाज से रिलेटेड हो तो समाज से दिक्कतें तो आएंगी, तो आएंगी तो व्यक्ति सोचता है नहीं मेरे से नहीं होगा मैं कर्तव्य छोड़ूंगा, छोड़ना चाहेगा तो कर्तव्य छोड़ के ध्यान में ही बैठे हो यही अच्छा है, ऐसे उसके मन में आएगा। तो अर्जुन को अर्जुन के मन में भी आया जब ज्ञान योग सुना, अरे सबसे श्रेष्ठ तो ज्ञान योग होता है ध्यान होता है, मैं भी यही करूंगी, अनावश्यक युद्ध करके इतने खून खराबिया क्यों करूं, मैं ध्यान ही करूंगा, ऐसे निर्णय ले लिया था दूसरे अध्याय में। जब प्रशंसा सुना ज्ञान योग का अर्जुन ने तो वो बोला कि नहीं फिर युद्ध क्यों करूं मैं ये करूं इसके लिए यहाँ पे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं युद्ध भी कर, युद्ध जरूरी है, गा रहे हैं महिमा ज्ञान योग की फिर बोल रहे हैं युद्ध कर, तो उसको समझ में नहीं आया महिमा जब ज्ञान योग की है ध्यान की है तो मैं युद्ध ही क्यों करूं, ये इतना खूंखार कर्म क्यों करूं करके प्रश्न आया। तो प्रश्न पे भूमिका बन रही है तृतीय अध्याय में, तो अर्जुन बोल रहे हैं प्रश्न कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से, मैं दो श्लोक गा दूंगा लगातार। अर्जुन उवाच जायसी चे कर्मणस्ते, आप लोग को भी गा देना है, मता बुद्धिर्जनार्दन, तत्किं कर्मणि घोरे मां, नियोजयसि केशव। दूसरा श्लोक व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसि इव मे। तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को प्रश्न कर रहे हैं अर्जुन, जब ध्यान ही श्रेष्ठ है ज्ञान योग ही श्रेष्ठ है, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन, ये कर्मयोग से ज्ञान योग श्रेष्ठ है। अब समझो कर्मयोग का तो कर्म करना कर्तव्य करना अच्छी प्रकार से,
जाने करो ध्यान में अपने अनुभव करना हर चीज का। तो जब अनुभव ही श्रेष्ठ है, ज्ञान ही श्रेष्ठ है, तो मेरे को क्यों कर्म करने के लिए ढकेल रहे हो? तत्किम कर्मणि घोरे मामनी हो जैसे केशव, इस घोर कर्म में मेरे को इस युद्ध को करने के लिए क्यों बोल रहे हो? मुझे भी ध्यान करने के लिए बोलो, ध्यान सिखाओ मुझे, एक प्रकार से इसका निवेदन कर रहे हैं अर्जुन। जब ज्ञान योग श्रेष्ठ है तो मुझे क्यों प्रश्न कर रहे हैं कि मुझे क्यों फिर कर्म करने के लिए बोल रहे हो, युद्ध करने के लिए क्यों बोल रहे हो मुझे? फिर आगे उसके साथ दूसरा प्रश्न भी जोड़ दिया, एक प्रश्न पे चुप नहीं हुए अर्जुन, फिर दूसरा प्रश्न भी बोले, क्या एक आक्षेप लगा रहे हैं भगवान पे। भक्त भी कभी कभी भगवान पे आक्षेप लगाता है अनजाने में, क्या है? व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे। देखो भाई, हे भगवान, हे श्री कृष्ण, हे केशव, आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। ज्ञान योग श्रेष्ठ पर आ रहे हो, फिर कर्म योग करने के लिए बोल रहे हो, दोनों मिश्रित मिश्रित यहां वहां की बातें बोल के मुझे कंफ्यूज कर। व्यामिश्रेण वाक्य ने बुद्धि मोहयसी में, मेरे बुद्धि को मोहित कर ले रहे हो, मेरे को कर्तव्य करने के लिए बोल रहे हो, फिर बोल रहे हो ये श्रेष्ठ है। फिर कैसे, जो श्रेष्ठ है वही तो आदमी करना चाहेगा, तो क्यों बोल रहे हैं आगे बता रहे हैं। तो तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहम् आप, मुझे कंफ्यूज मत करो, मुझे एक ही बताओ मुझे करना क्या है। हमको एक बार ध्यान देना है, भगवान श्री कृष्ण बार बार उनको कर्मयोगी करने के लिए बोल रहे हैं, कर्म ही करने के लिए बोल रहे, कर्तव्य ही बोल रहे हैं, परंतु गुणगान ज्ञान योग का गाय है। तो अर्जुन को आया, भाई क्या आप ऐसे क्यों कर रहे हो, मुझे एक ही बताओ क्या करना है। तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहम् आप, जो मेरे लिए श्रेय करे। याद रखना अर्जुन अपने दृष्टि से बोल रहा है, जो मेरे लिए श्रेय करे। सबकी अलग अलग स्थितियां होती हैं, मेरी अलग होगी, आपकी अलग होगी, आपकी घरवाले की अलग, बच्चों की अलग होगी, सबकी अलग अलग स्थितियां होती हैं, पूर्व जन्म के भी होते हैं, उसके अनुकूल। तो इसके लिए क्या बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, भाई देख, इस पूरे जगत में दो प्रकार के हैं श्रेष्ठ स्थितियां, दो प्रकार की हैं, दो ही श्रेष्ठ प्रकार की स्थितियां, क्या क्या है? लोकेस्मिन् विविधा निष्ठा, पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। तो पूरे जगत में दो प्रकार की श्रेष्ठ स्थितियां हैं, क्या बोल रहे हैं? लोकेस्मिन द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मैं, दो बड़े बड़े स्थितियां हैं इस लोक में, पहले ही मैं कह चुका हूं, ये अनक हे निष्पाप अर्जुन, क्या क्या है वो? सांख्य मार्ग माने ज्ञान मार्ग, कुछ लोग ज्ञान मार्गी रहते हैं, उनके अपने कर्म है पिछले जन्म के, उनकी उपस्थितियां हैं, उनके अपने अपने स्थितियां हैं, और दूसरा स्थिति क्या है? कर्मयोग की है, योगियों की, क्योंकि आदेश अलग अलग होते हैं। मैं बताता हूँ, परम पूज स्वामी जी के पास ही गए मान लीजिए, तो किसी के पास गए, हम डॉक्टर के पास भी गए, तो डॉक्टर क्या करता है, हमारी स्थिति के हिसाब से। मेरी आवाज आ रही ना? जी जी जी, कट हुआ था मुझे इसके लिए। हमारी स्थिति के हिसाब से हमको डॉक्टर मेडिसिन देता है, डॉक्टर के पास क्या है वो नहीं देता है, डॉक्टर के पास बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमारी अपनी स्थिति क्या है उसके हिसाब से मिलता है। तो अर्जुन कौन होता है? जिसको अभी पूर्णता प्राप्त नहीं है, माने अभी कर्तव्य कर्म बाकी है, करने हैं, वो अर्जुन। इसके लिए हम शास्त्र क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमको अभी चीजें जाननी है, इसके लिए तो पढ़ रहे हैं। तो जानने वाले के लिए क्या है, कर्तव्य करना बहुत जरूरी होता है, इसके लिए अर्जुन अभी जानने की इच्छुक है, इसके लिए तो श्री कृष्ण के शरण में जाना चाह रहा है, जा रहा है, तो जा रहा है, तो उसको कर्तव्य करने पड़ेंगे, इसके लिए युद्ध करने के लिए ही बोल रहे हैं। लेकिन आप जब प्रश्न ही नहीं कर रहे हो, कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आप शास्त्रों के शरण में भी नहीं जा रहे हो, कोई आप
अपने आप अनुभव है तो आपके लिए फिर क्या है वो ज्ञान योग है, आपके लिए युद्ध करने के लिए नहीं बोलेंगे क्योंकि आपकी स्थिति अलग है। स्थितियों को देख के आदेश दिया जाता है, जैसी स्थिति है उसके हिसाब से ही निवेदन होता है। तो अर्जुन की स्थिति को देख के भगवान श्री कृष्ण कर्म योग बोल रहे हैं क्योंकि उसके बिना वो अभी तक इतने युद्ध कर चुका है ना अर्जुन, बहुत सारे युद्ध कर चुका है। अगर वो ध्यान भी करना बैठेगा तो वो बैठ नहीं पाएगा, एक प्रकार से थोड़े दिन के बाद बोर होके फिर वापस चल जाएगा। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण जानते हैं इतना बड़ा योद्धा इतने युद्ध कर चुका है, इसको चाहिए राज्य भी चाहिए, नहीं तो आता ही क्यों युद्ध करने। तो इसलिए युद्ध कर ले, अपना पढ़ाई कर ले अच्छे प्रकार से, ये बार बार बोल रहे हैं। दो प्रकार की स्थितियां, जो ज्ञान योगी उसको फिर कोई जरूरत नहीं होता, उसको उसके लिए सारे कर्तव्य है क्योंकि उसको उसके बिना वो रह सकता है। बाकी कोई भी व्यक्ति बिना कर्तव्य के जी ही नहीं सकता, दुखी रहेगा फिर एक प्रकार से। इसको हमको समझना है, पेशेंट के हिसाब से दवाइयां होती हैं, ऐसे ही जैसी एक व्यक्ति की स्थिति होती है वैसे ही गाइडेंस होता है शास्त्रों का भी महापुरुषों का भी गुरु का। आज मैं यहीं तक रखूंगा, समय हो चुका है, अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना, क्योंकि एक आगे चौथा श्लोक बहुत प्रिय है परम पूज्य स्वामी जी को, वो गा के फिर मैं विराम करूंगा, मैं ही गाऊंगा इसको। न कर्मणाम अनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। जैसे उदाहरण लो, आपका लक्ष्य है दिल्ली पहुंचना, मान लीजिए वहां से आप जहां पे भी वहां से कोई दिल्ली में हो तो उसको दूसरे जगह पहुंचना है। जो व्यक्ति पहुंच गया उसके लिए थोड़े गाइडेंस देंगे, मैप देंगे, तू जहां यहां से वहां जा। आप अपने लक्ष्य में पहुंच गए तो आपको ना मैप जरूरत है ना किसी गाइडेंस जरूरत है ना कहीं जाने की जरूरत है क्योंकि आप पहुंच गए, तो आपको जबरदस्ती नहीं बोला तो आपको वहां जाओ। लेकिन आप जब तक पहुंचे नहीं तब तक आपको बोलेंगे, इसके लिए बोल रहे हैं न कर्मणा आरंभ नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते। जब तक हम कर्म नहीं करेंगे, जब तक हम अध्ययन नहीं करेंगे, अगर पिछले जन्म के अध्ययन हो चुका है, पिछले जन्म की स्थितियां, तो अपने आप बचपन से ही हमको एक वैराग्य अपने आप होगा, बचपन से ही सन्यासी होगा व्यक्ति, सारे विषयों से अलग होगा, वो ध्यान मार्ग ही होगा बचपन से ही, उसको कोई फिर कर्तव्य कर्म उसके लिए नहीं होते अनिवार्य, उसके अपने हो चुके, वो स्थिति को प्राप्त हो चुका है। जो स्थिति को प्राप्त नहीं है उन सबको इसके लिए बोल रहे हैं न कर्मणा, वो भी पहले कर्म कर चुका है बहुत सारे, जब कर चुका है तो उसका ड्यूटी कर चुका तो उसको वापस नहीं होगा ना निर्देश कर्म आया, इसने नहीं किया उसके लिए करना होगा। न कर्मणाम अनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते, बिना उसके ध्यान की स्थिति ज्ञान की स्थिति नहीं होगी, इसके लिए कर्तव्य कर्म करने हैं। जब आपके ध्यान की स्थिति हो जाएगी तब आपके लिए अनिवार्य नहीं होगा कर्म करने हैं कर्तव्य, क्योंकि शरीर है तो करोगे ही कर्म, उसके बिना बेच थोड़े रखोगे शरीर को, तो आप बाध्य होके नहीं करोगे, स्वतंत्र होके करोगे कर्म, बस इतना रहेगा। इसके लिए फिर क्या न कर्मणाम आपको परेशानियां आएंगी, ध्यान में भी आपके दिमाग में घूमेगा अरे मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ये करना है, ये सब जाए, वो ध्यान नहीं होता। ध्यान का मतलब आप चुपचाप बैठे हो, अपने आप में बैठे हो, ना आपको शरीर पे ध्यान है ना बाहर की कोई चीजों पे ध्यान है, जिसको चित्त वृत्ति निरोध बोलते हैं वो परम स्थिति है योग दर्शन के हिसाब से, इसको ध्यान बोलते हैं। व्यवहार का ध्यान उसको बोलते हैं जिस पे ध्यान टिका दिया आप, जिस विषय में उस विषय पे ही आपका टिका हुआ है ध्यान। जैसे आपने सोच लिया कि मुझे बिजनेस में ऐसे बढ़ना है, उसी पे चिंतन करते हो लगातार बिना कोई विराम के, लगातार चल रहा है, फोकस है, तो वो एक उसको संप्रज्ञात समाधि बोलते हैं, वो व्यवहार काल का सबसे बड़ा ध्यान है। और साधना काल का सबसे बड़ा ध्यान है कि कोई भी वृत्ति ही ना हो दिमाग में, वृत्ति ही ना हो का मतलब हम अपने आप में स्वरूप में हो। इतना आज मैं यहीं तक रखूंगा, ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य स्वामी जी महाराज, मैं
तेलंगाना राष्ट्र की संगठन मंत्री श्री नंदन कृपाकर जी से अनुरोध करता हूँ आज के सेशन का जो कंक्लूड कीजिए। कृपाकर जी, कृपाकर जी एक बार मैं आप सबको विनती करता हूँ, आज की जो सेशन की जो खास चीज है, तेलंगाना राष्ट्र से हर जिला से चारों पांचों संगठन की प्रभारिया और पांचों हर जिला के कार्यकारी सभ्य, तो ये तीन दिन शिविर कार्यकर्ता लोग आपका ऑडियो अनम्यूट कीजिए। चार्जिंग चालू ना कृपाकर जी कंटिन्यू प्लीज। ओम अब बात कीजिए कृपाकर जी बात कीजिए। ओम मैं पहले पूज्य स्वामी आनंद देव जी पूज्य स्वामी प्रणव देव जी दोनों ने अपना अमूल्य समय निकाल कर पूरा राज्य से सभी जिला कार्यकारिणी प्रांत कार्यकारिणी सदस्य तेलंगाना का हर जिले से आज उपस्थिति है और कुछ लोग महाराष्ट्र ओडिशा भी जुड़े हैं। 285 मेंबर्स भाग लिए हैं आज का इस कार्यक्रम में और इस संदर्भ जी इस संदर्भ में तेलंगाना राज्य भारत स्वाभिमान ट्रस्ट प्रभारी आदरणीय श्रीधर राव जी यहाँ है। I request Sri Sridhar Rao ji to make his concluding remarks. एक चीज मैं बीच में बोल रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी। एक चीज मैं मेरे बचपन से उनको देखा हूँ, मैं उनके अनुवादों को सुनता था श्री श्रीधर राव जी के, तेलुगु में भी टीवी वन शायद था कोई, तो मैं बचपन से उनको भी देख के बहुत प्रेरित था टीवी में देखे, उनके ऑफिस में भी मैं बचपन में भी गया, उनको याद हो या ना हो जी। जब यहाँ आने से पहले संगठन में भी तो उनके साथ हमको भी मौका मिला था आंदोलनों में भाग लेने का जी जी जी। अभी पूज्य स्वामी प्रणव देव जी आपका बीकॉम ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद परम पूज्य स्वामी जी से प्रेरित होकर उनका जीवन समर्पण करने के लिए हरिद्वार गए हैं, वहाँ 8 साल अपना पाणिनि अष्टाध्यायी वेद और योग इसमें कठोर परिश्रम की है और परिपक्व बने हैं। अभी वहाँ वैदिक गुरुकुल का दायित्व भी निभा रहे और पूरा देश में और प्रत्येक रूप से तेलंगाना में हम जो कार्यक्रम करते हैं उस सभी कार्यक्रमों में पूज्य प्रणव देव जी उनका साथ दे रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं और इसके लिए मैं पूरा राज्य के ओर से पूज्य स्वामी जी को प्रणाम करता हूं और ऐसे ही आपका दर्शन मार्गदर्शन हर समय हमारे को हमारे साथ रहने के लिए देने के लिए मैं विनती करता हूं। अभी अपना तेलंगाना राज्य प्रभारी आदरणीय श्री श्रीधर राव जी। प्रणाम स्वामी जी, स्वामी प्रणवदेव जी प्रणाम नमस्ते। परम आदरणीय हमारा स्वामी जी महाराज जो विचार से उनका जीवन शुरू हुआ, हम लोग उनका बीज रूप से, उन्होंने एक बीज था सो वो ज्यादा होते होते हुए अभी हम लोग जो योग साधक और पूरा देश और पूरा प्रपंच में विश्व में योग को आगे बढ़ाएंगे, ये हमारा जीवन का एक अच्छा दायित्व एक संकल्प से आगे बढ़ रही, इसको और तेजी से
आने वाला जो हमारा पीढ़ियां है वो भी इसको आगे बढ़ाने के लिए एक संपूर्ण विज्ञान जो हमारा पूज्य स्वामी जी हरिद्वार से इतना स्वामियों को संन्यास देके ये पूरा भारत और विश्व में बड़ा काम कर रहे, इसका फल हमारे को मिल रहे 3 साल से 4 साल से मिल रहे। जितना काम 10 साल तक हुआ अभी बहुत बढ़के हो रहे। अभी ये कोरोना समय में भी हम लोग इसको एक पॉजिटिव ढंग से सोच के पहले से घर में रह के विकेंद्रीकरण से हम लोग इसको गांव गांव तक कैसा बढ़ाएंगे बोल के सोच विचार करके तेलंगाना प्रांत में जल्दी से जल्दी हम लोग अरे घर में एक योग शिक्षक बनके उन्हों जो एक अखंड भारत का हमारा पूर्वजों का जो उद्देश्य था उसमें क्या क्या हमारा जीवन में होना है, कैसा जीवन जीना है और आनंद से खुशी से कैसा रहना है। हम लोग एक ही भूमि में जैसा जैसा विचार है हमारा परिवार मिलता है। सो परिवार तो छोटा रहता है, हमारा जो जो जन्म हुआ परिवार माता पिता बहन और उससे 100 लोग हमारा परिवार अभी 130 करोड़ हो गया। ये परिवार हम लोग 700 करोड़ को करना है। ये ज्यादा समय नहीं लेके हम लोग हमारा जीवन में 5-10 साल में स्वामी जी को हम लोग जोड़ के करे तो बहुत अच्छा होता है। आने वाले पीढ़ियां भी बहुत खुशी से रहता है और ये प्रकृति भी अच्छा रहता है, हर एक चीज अच्छा रहता है। इसीलिए हमारा जो कार्यक्रम दोनों स्वामी जी का सुना हूं मैं, बहुत अच्छा है। तो सूक्ष्म व्यायाम होने दो, हमारा जो मोटापे के लिए स्पीड वासन है और हरेक कण के लिए कैसा हम लोग ऑक्सीजन दे सकते हैं और आध्यात्मिक, सो जीवन आध्यात्मिक और ज्ञान टेक्नोलॉजी के माध्यम से आजकल चलना है, वही आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए हम लोग जो बहुत दिन से सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम तेलंगाना में चला रहे वो 5 जो आविर्भाव भारत स्वाभिमान का आविर्भाव दिवस है उसमें बड़े रूप में आगे बढ़ाएंगे। इसमें हमारा प्रांत से और दूसरा प्रांत से ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़ के इसको एक बड़ा अभियान के रंग से आगे आएंगे। क्यों बोले तो सूर्य नमस्कार सबको मालूम है, ये सर्वांगीण व्यायाम है, इसे सब कुछ आ जाता है। इसमें 108 से लेकर और ज्यादा भी कर सकते हैं। सो ये करे तो एक युवाओं के लिए बहुत अच्छा रहता है। सो कल ही हमारे को मालूम हो गया जो हमारा आदरणीय खेल मंत्री और आयुष मंत्री दोनों ये योगा को स्पोर्ट्स एक फेडरेशन बना दिया है, स्पोर्ट्स फेडरेशन, योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन। इससे भी हम लोग को एक युवाओं में अच्छा प्रेरणा आ जाएगा। ये अभी पूरा वातावरण योग आत्मनिर्भर से ही होता, सो इसको आगे बढ़ाएंगे परम साहब। सो आप सब लोगों के लिए मेरे बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। ओम आदरणीय श्रीधर राव जी धन्यवाद आपके मार्गदर्शन के लिए। अभी योगासना इंटरनेशनल योगासना स्पोर्ट्स फेडरेशन ये 2018 में परम पूज्य स्वामी जी के नेतृत्व में इस ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट परम पूज्य स्वामी जी है और सेक्रेटरी डॉक्टर नागेंद्र जी है और नेशनल योगासना स्पोर्ट्स फेडरेशन इसका प्रेसिडेंट डॉक्टर बसवा रेड्डी जी और सेक्रेटरी आदरणीय डॉक्टर जयदीप आर्या जी और तेलंगाना में भी तेलंगाना योगासना स्पोर्ट्स एसोसिएशन इस राज्य का यूनिट ये भी आदरणीय श्रीधर राव जी के नेतृत्व में बनाया गया है। और कल आयुष डिपार्टमेंट आयुष मंत्रित्व शाखा का मंत्री जी और स्पोर्ट्स मिनिस्टर दोनों ने योगासना is included in sports event.
तो नेशनल लेवल में स्पोर्ट्स में योग आसना को इंक्लूड किया गया है, उसका पूरा विस्तार रूप से वीडियो और प्रेस नोट आया है, मैं ग्रुप्स में रखा हूँ, आप देख लीजिएगा। तो योगासना विनर्स इन योगासना कॉम्पिटिशन्स विल गेट ऑल अपॉर्चुनिटीज बेनिफिट्स रिजर्वेशन इन हायर एजुकेशन एज वेल एज इन एम्प्लॉयमेंट। सो सिमिलरली लाइक द अदर इवेंट्स। तो ये बहुत अच्छा बात है, ये कल ही इसका प्रकटन आया है। तो इससे पहले ही हम तेलंगाना राज्य में भारत स्वाभिमान ट्रस्ट का आविर्भाव दिवस के उपलक्ष्य में एक बड़ा आयोजन करना करके अपना आदरणीय राज्य प्रभारी श्री श्रीधर राव जी सूचित किया है। तो उसके अनुसार 10,000 युवा अष्टोत्तर शत सूर्य नमस्कार साधना इस कार्यक्रम का रूपकल्पना किए हैं और प्रयास जारी है। इस कार्यक्रम में पूरा मैं अभी जो उपस्थित है महाराष्ट्र से, उड़ीसा से और तेलंगाना से, सभी कार्यकर्ताओं से मैं विनती करता हूं, आप आपके शक्ति अनुसार हजारों लोग इस कार्यक्रम में भाग लेना है और इस कार्यक्रम को सफल करना है। इसके लिए आज से ही आप सब लोग इस कार्य में जुड़ जाइए। और आज का यह पहला सत्र है, और भी दो दिन है। ये पहला दिन 285 लोग इसमें भाग लिए हैं, और जो हम चाहा था कि ये कोरोना का इस आपातकाल में, इस निराशा पूरित वातावरण में हम सब में एक प्रेरणा और शक्ति श्रद्धा जगाने के लिए हम पूज्य स्वामी आनंद देव जी, पूज्य स्वामी प्रणव देव जी को आमंत्रित किए हैं। वो आके अभी अपने को बहुत मूल्य मार्गदर्शन किए हैं। ऐसे ही और दो दिन कार्यक्रम रहेगा, आप सभी लोग इसमें भाग लेंगे और इसका प्रयोजन उठाएंगे। तेलंगाना राज्य के भारत स्वाभिमान ट्रस्ट, पतंजलि योग समिति, युवा भारत, पतंजलि किसान सेवा समिति और सोशल मीडिया, ये पांच संगठनों के ओर से मैं पूज्य आनंद देव जी, पूज्य प्रणव देव जी को और एक बार मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और सबके ओर से मैं प्रणाम अर्पण कर रहा हूँ। सभी एक साथ ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सभी को प्रणाम। बहुत सुंदर स्वामी प्रणव देव जी, गीता का तीसरा श्लोक सुनकर ऐसे लग रहा था सुनते ही रहे, और स्वामी आनंद देव जी को भी बहुत सुंदर। तो आइए तेलंगाना की टीम को ऑल द बेस्ट, और बहुत सुंदर, बहुत अच्छे पार्टिसिपेंट सभी जुड़े थे और सभी कर भी रहे थे, और ओडिशा ऑल्सो। सो वी आर रियली थैंकफुल टू एवरीबडी, स्पेशली our Swami Ji Rajya Prabhari from Telangana and our Orissa team. Everybody is really Swaminish and we are all proud to be with Patanjali. Om. अभी जो हमारा राज्य प्रभारी जी श्रीधरराव जी ने जो अनाउंस किया है ये मंच से, 10,000 युवा अष्टोत्तर शत सुनमस्कार साधना, महाराज ने आज सुबह के सत्र में जो कहा, सबसे पहला अपने आप को बदलना है, अपने आप को सुधारना है। सबको सुधारने की बात दूसरी बात है, पहला हमें सुधारना है। ये तीन दिन सेशन और सुनमस्कार ये हमारे लिए है, हमें सुधारने लिए है, हमारा जीवन आगे बढ़ाने के लिए। सो ये तीन दिन के सत्र की मेन लक्ष्य है, हम सब अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे, साधना करेंगे। तो सभी श्रद्धा से तीन दिन जुड़ेंगे और इस स्पिरिट से
आगे हम दशशास्त्र युवा स्तोत्र शत सुनमस्कार साधना के लिए 10,000 युवती युवाओं को हर जिला में सुनमस्कार को जोड़ेंगे। मैं किशोर यूट्यूब लाइव चैनल में हर रोज 108 सुनमस्कार 153 डेज से मैं किया था और उसको लाइव स्ट्रीमिंग किया था और दो दिन से 60 सुनमस्कार का लाइव रख रहा हूं। सो फॉलो हो सकते हैं, आगे भी हम ऑनलाइन में ही करने वाला है ये एलिजिबिलिटी राउंड। सो सभी प्रभारियों से, सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं से निवेदन है, सुनमस्कार की ओर हम युवाओं को जोड़ेंगे, अपने घर में ही रहकर ये महा अभियान बनाएंगे। सो बोलते हुए हम शांति मंत्र कहेंगे, सब साथ में ओंकार करते हुए आज की सेशन को पूरा करेंगे। शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति आप शांति ओषधय शांति वनस्पतय शांति ब्रह्मा शांति शांतिरेवा शांति सामा शांतिरेधि। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, करो योग रहो निरोग। सभी को धन्यवाद। ओम। कल शार्प 5:20 को जुड़ जाएंगे, 5:20 से ही जुड़ जाएंगे, 5:30 से सेशन शुरू हो जाएगा पूज्य स्वामी आनंद देव जी के महाराज का। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो बहुत सुंदर। किसी का भी प्रश्न है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में आपका प्रश्न डाल सकते हैं, आधा घंटे के लिए व्हाट्सएप ओपन करेंगे, किसी को प्रश्न है तो डाल सकते हैं, और ऑनलाइन चैट में भी आप प्रश्न कर सकते हैं, उसका अगर समय मिले तो स्वामी जी लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम काका जी, बंद कर तो मैं आता। प्रणाम। करा बहुत सुंदर। ओम ओम।